नमस्कार साथियों, अगर आप लोग मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि अभी तक हम लोग IAS यानी कि सिविल सर्विस परीक्षा के बारे में कई क्लासें कवर कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा का ऐतिहासिक परिदृश्य क्या रहा है, यानी कि UPSC का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उस पर भी बात की हुई थी। फिर आप लोग संघ लोक सेवा आयोग के बारे में भी पढ़ते हैं जो ये परीक्षाएँ करवाता है, जिसे आप लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी कहते हैं, उस पर भी बात की हुई है। फिर आपने देखा होगा इस परीक्षा का पैटर्न क्या है, इसमें किस तरह की परीक्षा होती है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर का होता है, इस तरह के कई तरह के सवाल जुड़े रहते हैं, इस पर भी हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई है। फिर आप देखते हैं कि 3 चरणों में ये पेपर होता है। प्रारंभिक परीक्षा, तो प्रारंभिक परीक्षा का आपका पाठ्यक्रम, इसका सिलेबस क्या हो सकता है, इसमें क्वेश्चंस पेपर किस तरह के रहेंगे, इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं इनकी भी हम लोगों ने क्या किया हुआ है, इन सब के जवाब देने की कोशिश की गई है। फिर आप देखते हैं मुख्य परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा में भी आप देखते हैं निबंध होता है, एक ऐसे लिखना होता है। फिर आप देखते हैं कि आपके सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट होता है, सेकेंड होता है, सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड होता है, फोर होता है। फिर आप देखते हैं कि अनिवार्य पेपर होते हैं, क्वालिफाइंग पेपर ए और पेपर बी, उस पर भी हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई है। फिर आप देखते हैं कि ऑप्शनल होता है, वैकल्पिक पेपर होता है, तो उस पर भी हम लोगों ने अच्छे से बात की हुई है। हर सवाल के एक तरह से आप देखिए कि जवाब देने की कोशिश की गई है। और मुझे लगता है कि अगर आप इन क्लासों को देखते हैं और अगर आप लोगों ने देख ली होंगी तो आपके हर सवाल के जवाब आराम से मिल जाएंगे। फिर भी आपको लगता है कि अगर कोई सवाल छूटा हुआ है तो आप उसका बताइएगा, उसका भी जवाब देने की पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। और अभी तक आपको बता दूं कि 2011 से लेकर UPSC प्रीलिम्स 2011 से लेकर 2018 तक के प्रीलिम्स का पहला पेपर, जिसे आप लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट कहते हैं, इनके बारे में भी हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई है। इनके आप देखेंगे जो सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और मुख्य परीक्षा में आप लोग पहुँच पाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का दूसरा पेपर होता है, उसे आप लोग CSAT कह देते हैं, और आप सभी जानते हैं कि उसमें क्वालिफाइंग नंबर चाहिए होते हैं, पासिंग नंबर, और आराम से अगर आप लोग थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसमें नंबर ले भी आते हैं, लेकिन जो मुख्य पेपर होता है यही पेपर होता है। तो इनके आप देखेंगे आंसर तो हम लोगों ने देखे ही हैं, साथ में ही इनका बैकग्राउंड भी हम लोगों ने सभी क्वेश्चंस के आंसर देखे हुए हैं और व्याख्या की हुई है। इनका बैकग्राउंड कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए कहीं वर्ल्ड बैंक का एक तरह से उल्लेख किया गया, विश्व बैंक का, तो हम लोगों ने विश्व बैंक पर विस्तार से बात की हुई है इसमें, कि इसकी स्थापना कब हुई है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसमें कितने मेंबर हैं, समझ रहे हैं, ये कौन कौन सी रिपोर्टें जारी करता है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि आपको भले ही 2 घंटे का समय मिलता है परीक्षा में, लेकिन जब हम लोग इसका एक तरह से व्याख्या करते हैं तो 2 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाता है। तो आप देखेंगे केवल यहाँ हमें आंसर क्वेश्चंस पढ़ना और गोला नहीं भरना है, यहाँ हमें उनकी व्याख्या भी करनी है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग एक आपकी प्लेलिस्ट सूची बना रखी है सिविल सेवा परीक्षा के नाम से, इसमें आपकी सभी क्लासें डली रहेंगी और वहाँ जाकर आप लोग देखते रहिएगा। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे सिविल सर्विस प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है 2019 का, इसका पहले पेपर की हम लोग बात करेंगे और इस पर विस्तार से बात करेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन पेपर देखे, उनकी व्याख्या की हुई है, उनके आंसर बताए हुए हैं, जिस तरह से उसी तरह से इस पेपर में भी हम लोग देखेंगे। और आप सभी को मालूम है कि ये 4 अनुक्रम में रहता है ABCD के रूप में, लेकिन ये भी आप लोग याद रखिए सभी में क्वेश्चन सेम रहते हैं, आपके प्रश्न सेम ही रहते हैं, बस उनका क्रमांक बदल जाता है। मान लीजिए आपके पेपर में हो सकता है कि पहले नंबर पर हो, वही आपके पड़ोसी वाले में आप देखेंगे कि वो 25वें नंबर पर हो या 50वें नंबर पर हो, तो इस तरह से क्रम बदल जाएगा लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेंगे, ठीक है। और 2 घंटे का समय मिलता है, आप सभी जानते हैं कि 100 क्वेश्चंस आपके सामने रहते हैं, 200 नंबर का रहता है, यानी कि 1 क्वेश्चंस 2 नंबर का। और आपको बता दूं कि ये माइनस मार्किंग भी रहता है, इसलिए आप लोगों को बड़े ध्यान से लगाना है। तुक्का भी लगाते हैं, तुक्का का भी एक एक तरह से आप कहिए कि हर क्वेश्चन का आप लोग तुक्का नहीं लगा देंगे। मान लीजिए कि आप लोगों को 2 विकल्प में लग रहा है कि ए हो सकता है या बी हो सकता है, तो यहाँ आप लोग तुक्का का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप सोचें कि आपको बिल्कुल उसके बारे में जानकारी ही नहीं है, चारों में विकल्प में ही आप लोग को लग ही नहीं रहा है कौन सा हो सकता है, अगर वहाँ तुक्का लगाने लग जाएं तो मुझे लगता है कि आप नुकसान में जाएंगे, ठीक है।
इन अनुदेशों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसकी PDF भी मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, वहाँ से डाउनलोड करके आराम से बैठ के पढ़ते रहिएगा। और जब आपके पास सामने क्वेश्चंस पेपर आता है, परीक्षा हॉल की बात कर रहा हूँ, एग्जाम सेंटर की, तो वहाँ भी आपके पास टाइम रहता है, आप लोग वहाँ भी इन्हें पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में रहता है, ये अच्छी बात है। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कोई हिंदी में अगर कोई प्रश्न है, तो उसका आप लोग अंग्रेजी वाला वो देख सकते हैं क्वेश्चंस के रूम में, ठीक है। कई बार शब्दों का हेर फेर हो जाता है। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या कह रहा है? मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच अंतर क्या था? आप सभी लोगों ने मुगल काल पढ़ा होगा इतिहास में, उसी समय की बात हो रही है। वहाँ आप लोग जागीरदार के बारे में भी पढ़ते होंगे और जमींदार के भी बारे में भी पढ़ते होंगे, और इसमें आप लोगों को दोनों में अंतर पूछने के लिए कह रहा है। पहला ऑप्शन ए कथन क्या कह रहा है? जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। और इसमें दूसरा कथन कह रहा है कि जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशागत नहीं होते थे। और नीचे कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। यानी कि जागीरदार और जमींदार के बारे में अगर आपको मालूम होगा, तो मुझे लगता है कि आप लोग इसका आंसर बेहतर तरीके से दे पाएंगे। और आप देखेंगे कि ये दोनों कथन बिल्कुल गलत हैं, ना तो इसमें पहला कथन सही है और ना ही दूसरा, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जागीरदार राजा के एक तरह से अधिकारी हुआ करते थे। कौन? जागीरदार की बात कर रहा हूँ। और ये क्या करते थे कि राजा इन्हें भूमि, एक तरह से भूमि दिया करते थे, और मनसबदार एक तरह से नाम राजा द्वारा दिए गए इनके पद होते थे। वहीं अगर आप जमींदार की बात करें, तो जो भूमि के धारक होते थे उन्हें जमींदार कह देते थे, और भू राजस्व के अलावा किसानों के उत्पादन में हिस्सेदारी का दावा करने के लिए भूमि पर उनका वंशानुगत अधिकार भी हुआ करता था, और पता है उन्हें किसानों को हिरासत में लेने का भी अधिकार हुआ करता था। तो इसमें आप देखेंगे दोनों कथन बिल्कुल गलत रहेंगे। और जमींदारी जो प्रथा रही है, पहले आपने देखा है मुगल काल में भी देखने को मिली, फिर आपकी ब्रिटिश काल में भी देखने को मिली, और एक तरह से राजनीतिक सामाजिक प्रथा मानी जाती थी। और इसमें आप देखते होंगे, जमींदार में पढ़ते भी होंगे, कि भूमि का स्वामित्व उस पर काम करने वालों का ना होकर किसी और, जैसे जमींदार का हुआ करता था, जो खेती करने वालों को कर, खेती जो भी खेती करते थे उस पर भूमि पर, उनसे कर वसूलने का काम इसी का होता था। लेकिन आपने देखा है कि जब भारत को आज़ादी मिली, उसके बाद इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और ये भी आप देखेंगे, जमींदारी की बात करें जागीरदार की, तो इसमें आप देखेंगे कि ये भी आपकी मुगलों के समय की ही रही है, मुस्लिम शासनकाल में 13वीं शताब्दी के आसपास विकसित हुई थी। और यह भूमि की रेतबाड़ी प्रणाली थी, जिसमें किसी भी भूमि से लगान प्राप्त करने और उसके प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य के अधिकारी की हुआ करती थी, उसे ही एक तरह से आप जागीरदार कहा करते थे। तो इसमें आपके दोनों कथन बिल्कुल गलत हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका होगा इसमें। और इसीलिए कहता हूँ कि जब भी इतिहास पढ़ा करिएगा, बड़े बारीकी से पढ़ा करिएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आपने NCERT कक्षा 6वीं की इतिहास की बात कर रहा हूँ, और कक्षा 12वीं की पढ़ी होगी, तो आप लोगों ने जमींदार और जागीरदार के बारे में बेहतर पढ़ा होगा। और इसीलिए आपसे कहते हैं कि कम से कम आप लोग कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के NCERT पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनके बिना मुझे नहीं लगता है कि कुछ होने वाला है, कुछ उखड़ने वाला है। क्योंकि जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होता है, तब तक आप क्या कर सकते हैं, ये आप भी बेहतर जानते होंगे, अगर आप लोगों ने पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लिए होंगे तो। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्वतंत्र यानी कि आपके ये आज़ाद भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?
इसमें ए कथन क्या कह रहा है आपसे? ए कथन कह रहा है कि हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, न कि व्यक्तिगत जोत पर। बी कह रहा है भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। सी कह रहा है इसके परिणाम स्वरूप नकदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गई। और डी कह रहा है भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी। तो इसमें क्या लगाओगे बताइए कुछ? तो आप देखेंगे सीधा सा सवाल है और इसमें बी ऑप्शन आपका सही है। और आप सभी जानते हैं कि भूमि सुधार जो भी अधिनियम कानून लाया गया था वो इसी उद्देश्य से लाया गया था कि जो भूमिहीन किसान हैं उन्हें कुछ भूमि उपलब्ध कराई जाए। क्योंकि आज़ादी के पहले आप देखिए कि कोई ऐसा कानून नहीं था कि किसी आदमी के पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए। आप देखते होंगे किसी के पास हजारों एकड़ हुआ करती थी और किसी के पास आप देखिए कि अपने घर बनाने के लिए भी ज़मीन नहीं हुआ करती थी। तो उन्हीं तरह को एक तरह से रोक उनके पास, या कह सकते हैं कि जो भूमिहीन किसान थे या कृषक थे या लोग थे उन्हें भूमि प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया था। इकोनॉमी में आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। चलिए इसमें बी ऑप्शन लगाएंगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने तीसरा, क्या कह रहा है? वैश्विक प्रतियोगिता रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? यानी इनका कहना का मतलब है कि वैश्विक प्रतियोगिता रिपोर्ट कौन जारी करता है? ए ऑप्शन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। बी कह रहा है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। सी कह रहा है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और डी कह रहा है विश्व बैंक। बताइए इसमें क्या करोगे, कौन जारी करता है? तो इसमें आप देखेंगे कौन जारी करता है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। इसे आप लोग वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट भी कहते हैं, शॉर्ट में GCRB कहते हैं। यहाँ आपको चार संगठन आपने देखे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन और विश्व आर्थिक मंच और विश्व बैंक। इनके बारे में आप लोगों को मालूम होगा, हम लोगों ने बड़े विस्तार से बात की हुई है, सिविल सर्विस को ध्यान में रखते हुए बात की हुई थी। लेकिन यहाँ आपके आए हुए हैं, इनका उल्लेख है, तो यहाँ हम आपको कुछ जानकारी इसके बारे में बता देते हैं। लेकिन याद रखिए इस तरह के जितने भी आपके संगठन हैं, फिर चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास रख लीजिएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि पुराने क्वेश्चंस पेपरों में भी देखते आए हैं। अभी तक हम लोगों ने 2011 से 2018 तक के प्रीलिम्स का पहला पेपर सॉल्व कर चुके हैं, तो आपने देखा होगा कि इनमें अधिक बहुत सारे क्वेश्चंस आपके संगठनों से और जो संगठन ये संगठन रिपोर्ट जारी करते हैं उनसे डायरेक्ट पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में बात करें, जिसे आप लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर आपको Washington DC में देखने को मिल जाएगा। कहाँ मुख्यालय इसका? Washington DC में। और इसकी स्थापना की बात करें तो 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी IMF की, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 में की गई थी और इसका मुख्यालय आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग विश्व आर्थिक मंच की बात करें, इसे आप लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कहते हैं, तो इसकी स्थापना आप देखेंगे जनवरी 1971 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। और वर्ल्ड बैंक की बात करें, विश्व बैंक की, तो इसकी स्थापना आप सभी को मालूम होगा कि जुलाई 1944 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको Washington DC USA में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन छोटे छोटे संगठन है और बड़ी क्लियर रहती है, बड़े सरल संगठन है। अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आराम से मुझे लगता है इनके आंसर दे भी पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने
चार क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है आपसे, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और एक बात, हाँ, इस तरह के जो भी संगठन आपके चार्टर एक्ट है इतिहास में, आप देखिए कि आपके 1773 से देख लेते हैं, 1726 में एक आया हुआ था, तो 1947 तक जितने भी आपके एक्ट हैं इनके बारे में एक सामान्य जानकारी याद रखिए। किसके समय ये पारित हुआ, इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं हुई, तो इनके बारे में एक सामान्य, मैं तो कहता हूँ कि एक शॉर्ट नोट अपने पास बना के रख लीजिए नोट्स, ठीक है? जब भी आप लोग पेपर देने जाते हैं तो रिवीजन करके जाया करिए, क्योंकि इनसे भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। तो इसमें पहला कथन कह रहा है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा कह रहा है इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी कि क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। और तीसरा कह रहा है कि भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, यानी कि इन तीन कथनों में से आपको सही कथन चुनना है। क्या करना है, सही कथन आपको देखना है। तो इसमें आप लोग देखेंगे, वो आप लोगों ने इस एक्ट को पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि पहला कथन बिल्कुल सही है, इसमें दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा आपका बिल्कुल है। और आप सभी जानते होंगे कि चाय और अफीम के व्यापार को छोड़कर बाकी सभी एकाधिकार को इनके समाप्त कर दिया गया था। और इसे आगे चल के आप देखते हैं कि 1833 के एक्ट के तहत चाय और अफीम के व्यापार के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया था, ठीक है? और इस अधिनियम में आपने देखा होगा ईसाई मिशनरियों को अंग्रेजी का प्रचार प्रसार और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति भी दी गई थी। तो इसमें आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है? एक और दो कथन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने पांच, क्या कह रहा है? स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार कीजिए। स्वदेशी आंदोलन के बारे में भी पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े? और नहीं पढ़े हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि इतिहास पढ़े हो, अगर इसे छोड़ दिए तो बड़े गजब की बात है। इसमें पहला कथन कह रहा है कि इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। और दूसरा कह रहा है स्वदेशी आंदोलन के एक अव याव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? और इस लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि क्वेश्चंस का आंसर आते हुए भी आप गलत कर बैठते हैं इस लाइन की वजह से। अब आप देखिए कि यहाँ लिखा होता कि सही नहीं है तो इसका आंसर तुरंत बदल जाता, लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि सही कथन आपको इन दोनों में से चुनना है। तो इसमें याद रखिए आपके दोनों कथन बिल्कुल सही है। क्या है? दोनों कथन बिल्कुल सही है। ये आप 1906 में देखते हैं ना, बंगाल में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा एक तरह से चलाया गया था, बंगाल विभाजन भी हुआ था, उसी समय की बात हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी कि NCE एक स्वदेशी औद्योगिकरण आंदोलन के हिस्से के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से 1906 में बंगाल में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित एक संगठन था। इसने बंगाल नेशनल कॉलेज और बंगाल संस्थान की स्थापना की थी, और जो बाद में जाकर आप देखते हैं जादवपुर विश्वविद्यालय बनाने के लिए एक तरह से विलय कर दिए गए थे, उनमें मिला दिया गया था, तो उसी की बात हो रही है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन यानी कि एक और दो दोनों सही रहेंगे। और एक बात और आपको बता देता हूँ, बंगाल विभाजन की यहाँ बात हुई है, दो बातें याद रखिए बंगाल विभाजन के बारे में। एक तो पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था, यानी कि कहने का मतलब है कि इस समय कौन क्या था, कौन वायसराय था इस समय। तो आप सभी जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन के समय आपका बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था, और बंगाल विभाजन रद्द किसके समय हुआ था? तो याद रखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, ठीक है?
तो इन दोनों नामों को याद रखिए, कई बार ये पूछ लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने छठवा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ये आंदोलन संगठन है और इनके नायक यानी कि लीडर हैं। तो पहला कह रहा है कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी, दूसरा कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, और तीसरा कह रहा है आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायर। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही युग्म सही सम्मिलित है? तो बताइए इसमें कौन सही सम्मिलित है। पढ़े हो कुछ? तो इसमें आप देखेंगे तीनों आपके बिल्कुल सही हैं, तीनों सही सम्मिलित हैं। क्योंकि हरिजन एक और आपने संगठन सुना होगा, हरिजन सेवक संघ, ये भी आपका एक तरह से गैर लाभकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने की थी भारत में एक तरह से छुआछूत को मिटाने के लिए। और अखिल भारतीय किसान सभा की बात करें तो जिसे आप लोग भारतीय किसान सभा के रूप में भी जानते हैं, तो 1936 में इसे सहजानंद सरस्वती द्वारा एक तरह से इसका गठन किया गया था, ठीक है। और अगर हम लोग इसकी बात करें आत्मसम्मान आंदोलन की, तो आप देखेंगे 1925 में ईवी रामास्वामी नायर एक तरह से इन्होंने की थी, ठीक है। और इसमें एक और नाम जुड़ता है, एस नाम रामनाथन का नाम भी जुड़ता है, तो इसे भी याद रखिए। चलिए इसमें क्या लगाओगे? मैंने पहले भी बताया कि इस तरह के जो भी आपके इतिहास के संगठन हैं उन्हें आप लोग एक बार बेहतर तरीके से पढ़ लिया करिएगा, कौन सा इस संगठन का एक तरह से बनाने वाला रहा है, या फिर आप देखिए कि इसके संगठन की स्थापना कब हुई है, या फिर कोई आंदोलन चलाया गया तो उसका नेतृत्वकर्ता कौन रहा है, लीडर कौन रहा है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार आप देखते हैं क्रम से लगाने के लिए आ जाते हैं, तो सबके बारे में याद रखा करिएगा। और इसीलिए कहता हूँ कि पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, कम से कम आप लोगों को ये मालूम तो हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, कौन से क्वेश्चंस बार बार दोहराए जा रहे हैं किस टॉपिक से। तो जब आप लोग क्वेश्चंस पेपर पर आने देखेंगे तभी इनके आंसर दे पाएंगे और मुझे लगता है ये समझ में भी आ पाएगी आपको बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? अब आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है, प्राचीन भारत हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी पढ़े होंगे, चन्हियो दड़ो, कोट दीजी, सोहे गोरा, देसलपुर, बताइए इसमें से क्या रहेगा साथ में। तो साथ में आप सभी जानते हैं कि सोहे गोरा नहीं है। सोहे गोरा ताम्रपत्र शिलालेख, भारतीय ताम्रपत्र शिलालेख है जो प्राकृत में बाह्य लिपि में लिखा गया है और ये आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में देखने को मिलेगा, ठीक है। एक राप्ती नदी सुने होंगे, उसी के एक तट पर एक गाँव है सोहे गोरा, ठीक है। तो ये आपका हड़प्पा स्थल नहीं है, बाकी आप लोग तीनों हैं आपके, तो इसमें आपका सी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 8। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी कि रिलीफ स्कल्पचर शिलालेखों में अशोक के पिस्तर रूपचित्र के साथ रानी अशोक राजा अशोक उल्लेखित है? कंगनहली, सांची, साहबाजगढ़ी, सोहे गोरा, बताइए इसमें से क्या करोगे। तो इसमें आप देखेंगे ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, इसमें भी क्या रहेगा ए ऑप्शन कंगनहल्ली, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। कंगनहल्ली में खुदाई सन 2000 से 2002 के बीच हुई थी, उत्खनन से आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण खोज थी इसमें राजा अशोक नाम का एक पत्थर मूर्ति कला के रूप में मिला हुआ था, ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल रही है। और आप सभी जानते हैं कि अशोक मौर्य साम्राज्य का एक तरह से शासक था,
और कलिंग का युद्ध भी आप लोगों ने देखा होगा, बाद में बुद्ध धर्म को अपना लेता है। और कहते हैं कि इसकी नम्य नीति, मतलब आप सोचिए कि बड़ा एक तरह से नम्य तरीके की रह हो जाता है। और बौद्ध धर्म में आप सभी जानते हैं कि किस तरह की बात करता है। तो यही उसकी मौर्य साम्राज्य के बर्बाद होने या पतन होने की एक तरह से कारण भी बनता है आगे चल के। अगला क्वेश्चन है नौवा, निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला कह रहा है बुद्ध में देवत्तारोपण, दूसरा कह रहा है बौद्धि सत्य के पथ पर चलना, तीसरा कह रहा है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपयुक्त में से कौन विशेषताएं विशेषताएं महायान बौद्ध की हैं? आप सभी जानते हैं कि आगे चल के बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, एक हीनयान एक बौद्ध महायान, तो उसी की बात हो रही है। और इसके बारे में भी ये देखिए आप लोग जो हैं, आपके बौद्ध धर्म हो जैन धर्म हो, इन्हें भी आप लोग एक बार अच्छे से मन लगा के पढ़ लीजिएगा। और मैं कहता हूँ कि इनके भी आप लोग शॉर्ट नोट्स बना के रख लीजिएगा, क्योंकि आप देखेंगे जब आप लोग प्रीलिम्स दे रहे हो या मुख्य परीक्षा में भी आप देखिए कई क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ इनका उल्लेख आप कर सकते हैं। या आप देखिए निबंध में भी आप लोग देखिए, इस तरह का अगर निबंध लिखने के लिए आता है तो वहाँ भी आप लोग इनके कोट्स का उपयोग कर सकते हैं, उल्लेख कर सकते हैं वहाँ। तो इसमें पहला कथन, दूसरा तीसरा बताइए कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध की हैं, बौद्ध मत की हैं? तो इसमें आप देखेंगे तीनों हैं आपकी, क्या हैं? तीनों हैं आपकी। तीनों क्या है? महायान बौद्ध से जुड़ी हुई है एक तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दसवां, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम बिष्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसमें पहला कथन कह रहा है, पहला ए ऑप्शन क्या कह रहा है? इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। बी कह रहा है यह गुप्त साम्राज्य के मध्य विदेश और काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णता विद्यमान था। सी कह रहा है बलात्श्रम श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। और डी कह रहा है मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात्श्रमिक के रूप में भेद दिया जाता था। तो इसमें आप देखेंगे ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था और जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था ये। ठीक है, गुप्त काल के समय की बात हो रही है, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। गुप्त काल पढ़े हो कि नहीं पढ़े? मौर्य काल, गुप्त काल, श्री गुप्त ने आपने देखा होगा कि इसकी स्थापना करता है। और इसमें आप फिर सुनते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन सब के बारे में पढ़े भी होंगे मुझे लगता है। विष्णुगुप्त, तो इसमें आप कुल क्या लगाओगे? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने 11, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? क्या करोगे इसमें, कुछ पता है भी या नहीं है? चालुक, चंदेल, राष्ट्रकूट, विजयनगर। तो याद रखिए इसमें विजयनगर होगा आपका। क्या होगा? विजयनगर सही होगा। हम्पी के विट्ठल मंदिर में मंडप, या फिर इसे मंडप भी कहते थे, जो देवताओं के विवाह का जश्न मनाने के लिए थे, और उन्हें कल्याण मंडप के नाम से भी आप लोग जानते थे।
तो ये सभी विजयनगर की बात है। डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 12। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें पहला कथन कह रहा है कि दिल्ली की सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। दूसरा कथन कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। और तीसरा कह रहा है कि मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया था। और इन तीनों कथनों में से आपको सही कथन चुनना है। क्या करना है? सही कथन का चुनाव करना है। दिल्ली सल्तनत को पढ़े होगे? नहीं पढ़े? अगर पढ़े होगे तो आप लोग इसका आंसर भी बेहतर तरीके से दे पाओगे, और नहीं पढ़े होगे तो फिर आप लोग जानते ही भी हो। तो इसमें आपका पहला कथन बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल गलत है और तीसरा बिल्कुल गलत है। दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि 1206 से लेकर 1526 तक भारत में आप देखते हैं कि 5 वंशों का एक तरह से शासन रहता है, और इसे आप लोग शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहते हैं, और इसे आप लोग सल्तनत ए हिंद या सल्तनत ए दिल्ली भी कहते हैं। ये 5 वंश थे, गुलाम वंश, जो आप सभी को मालूम होगा कि 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक रहते हैं। फिर आपने देखा है कि खिलजी वंश आता है जो 1290 से लेकर 1330 तक रहता है। फिर आप देखते हैं तुगलक वंश आता है जो 1320 से लेकर 1320 से लेकर 1414 तक रहता है। फिर आप देखते हैं कि सैयद वंश आता है, वो रहता है आपका 1451 तक। फिर आप देखते हैं कि लोधी वंश आता है जो 1451 से लेकर 1526 तक रहता है। ठीक है, ये आप देखेंगे। फिर आपने देखा है कि बाबर आ जाता है 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत का काम खत्म हो जाता है, मुगल सल्तनत आ जाता है। तो इसमें आप लोग पहला कथन बिल्कुल सही है। आपको मालूम होगा कि ये मीर बख्शी की बात हो रही है। ये अकबर के समय आपने देखा होगा, अकबर के शासनकाल के दौरान मीर बख्शी ने सैन्य विभाग, सूचना और खुफिया एजेंसियों का नेतृत्व भी किया था, तो उस समय की बात है। ठीक है, मुगल काल। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 13। इसमें कह रहा है कि आपसे निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि संत निमार्क अकबर के समकालीन थे। दूसरा कह रहा है संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। और इन दोनों कथनों में से आपको सही कथन का चुनाव करना है। किसका? सही कथन का चुनाव करना है। कैसे करोगे बताइए कुछ। इसमें आप देखेंगे ना तो एक सही आपका है और ना ही दूसरा सही है, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल गलत है, यानी कि डी ऑप्शन होगा। आप सभी जानते होंगे कि निमार्क एक हिंदू दार्शनिक और टिप्पणीकार थे, जिन्हें भेद भेद द्वैत द्वैत के वैष्णव सिद्धांत एकता में द्वैत के प्रचार के लिए काफी जाना जाता है। और वैदिक शास्त्रों के अनुसार आप देखेंगे तो इनका जन्म माना जाता है कब? 3096 ईसा पूर्व। और अभी अगर आधुनिक ऐतिहासिक शोध में उन्हें कहा जाता है कि 13वीं या 14वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है, लेकिन वैदिक शास्त्रों में आप देखेंगे 3096 ईसा पूर्व की बात हो रही है। और शेख अहमद सरहिंदी की बात करें तो ये आप देखेंगे जन्म संत कबीर के बाद ही हुआ है। ठीक, इसलिए आप देखेंगे दोनों कथन बिल्कुल गलत रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है 14वां। ये कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। और इसमें आपको तीन कथन दिखाई दे रहे हैं।
तो पहला कथन क्या कह रहा है आपसे? पहला कथन कह रहा है कि महात्मा गांधी गिरमिटिया यानी कि इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। दूसरा कह रहा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीय से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। और तीसरा कह रहा है भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज आप लोग देखते हैं ना, वही है एक तरह से। लेकिन आज की कांग्रेस में उस समय की कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क था, ठीक है। और आप सभी को मालूम होगा कि 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इन तीन कथनों में से आप लोगों को सही कथन चुनना है। तो पहला कथन इसमें आप लोग देखोगे, क्या देखोगे? पहला कथन बिल्कुल सही रहेगा आपका, और उसके बाद आप देखेंगे दूसरा गलत रहेगा, तीसरा बिल्कुल सही रहेगा। आपको बता दूं कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीय से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन किया था, ना कि समर्थन नहीं किया था, समर्थन किया था, याद रखिएगा। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? बी ऑप्शन, यानी कि एक और तीन कथन आपका बिल्कुल सही था, दूसरा आपका गलत था। क्वेश्चन हमारे सामने 15 है, क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि व्यक्ति हो गए, और एक तरफ आप देखेंगे धारित पद हो गए इनके। सर तेज बहादुर शत्रु अध्यक्ष थे अखिल भारतीय उदार संघ के, बताइए। दूसरा इसमें कह रहा है आपसे, दूसरा कह रहा है कि केसी नियोगी ये सदस्य थे संविधान सभा के, और पीसी जोशी ये महासचिव थे भारतीय साम्यवादी दल के। इसमें आप देखेंगे क्या देखेंगे, 15 में तीनों सही सम्मिलित हैं। क्या है? तीनों सही सम्मिलित हैं, बिल्कुल। यानी कि अखिल भारतीय उदार संघ से जुड़े रहे हैं, कौन? सर तेज बहादुर शत्रु, इसके अध्यक्ष रहे हैं। और संविधान सभा के सदस्य थे केसी नियोगी, और भारतीय साम्यवादी दल के महासचिव रहे हैं पीसी जोशी की बात हो रही है। तो 15 में क्या लगाओगे? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 16, और इनके बारे में आप लोग अगर एमपी से हैं तो आप लोगों ने बेहतर पढ़ा होगा इनके बारे में। ग्वालियर का नाम भी सुने होंगे आप लोग, तो इन्हीं से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है बताइए कुछ, अगर आपको मालूम हो तो। तो इसमें कह रहा है कि 16 क्वेश्चन कह रहा है आपसे, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब आपको समझ में आया इस लाइन का कितना महत्व होता है, सही नहीं है। यानी कि आप देखेंगे तीन तो आपको सही देखने को मिलेगा, और इसमें एक सही नहीं होगा, और उसी आपको चुनना है, उसी को चुनना है जो सही नहीं होगा। क्या होगा? सही नहीं होगा। तो उसमें एक कथन क्या कह रहा है आपसे? ए कह रहा है कि सम्राट अकबर द्वारा उन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। बी कह रहा है तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की, और सी कह रहा है तानसेन ने अपने संरक्षकों को से संबंधित गानों की रचना की, और डी कह रहा है तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। तो बताइए इसमें क्या रहेगा आपका? तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही नहीं है। आपको मालूम होगा कि तानसेन की उपाधि ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह ने दी थी, ना कि अकबर ने। लेकिन आप देखेंगे अकबर ने उन्हें मियां की उपाधि दी थी, तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें क्या लगाओ देखिए? ए ऑप्शन रहेगा, ए ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है पूछा ना, इसलिए ए ऑप्शन होगा। अगर आपसे पूछता सही है तो आप देखते तीन सही थे, तानसेन। तानसेन का मकबरा कहाँ है ये बता दीजिए आप लोग। इन्हें आप लोग राम तनु के नाम से भी जानते थे। इनके जन्म की बात करें तो आप देखेंगे 26 अप्रैल 1586 की बात है, समझ रहे हैं? तो उसी समय के थे तानसेन साहब।
ग्वालियर को आप लोगों ने सुना भी होगा, तानसेन की नगरी भी आप लोग कह देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 17। क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है कि इनमें से किस मुगल सम्राट ने साचित्य पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार यानी कि एल्बम और व्यक्ति के रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? ये आप सभी जानते हैं कि मुगल सम्राट रहे हैं हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो बताइए इनमें से कौन रहेगा? तो इसमें आप देखेंगे क्या है, जहांगीर। कौन होगा? जहांगीर। जहांगीर भी आप देखेंगे एक तरह से यूरोपीय चित्रकला से बहुत प्रभावित भी था, और इसने अपने शासन काल के दौरान अंग्रेजी क्राउन के सीधे संपर्क में आया, और वहां से आप देखेंगे उसे तेल चित्रों के उपहार भी भेजे गए जिसमें राजा और रानी के चित्र बने होते थे। और उसने क्या किया कि पारंपरिक लघु चित्रों में उपयोग की जाने वाली चपटी बहुस्तरीय शैली के विपरीत यूरोपीय कलाकारों द्वारा पसंद किए जाने वाले एकल बिंदु परिप्रेक्ष्य को लेने के लिए उसने अपने शाही एटेलियर को प्रोत्साहित भी किया। उसने विशेष रूप से अपने स्वयं के जीवन की घटनाओं, व्यक्तिगत चित्रों, पक्षियों, फूलों, जानवरों के चित्र बनाने पर जोर दिया है। उस समय एक तरह से बनवाए, ठीक है। जहांगीर मुगल। ये अकबर का ज्येष्ठ पुत्र था, पता है? इसका जन्म आप देखेंगे तो 30 अगस्त 1569 में हुआ था, और ये आपका 28 अक्टूबर 1627 तक रहता है, तो उसी की बात हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 18। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन उष्ण कटिबंध में स्थित है? बताइए, फिर से पढ़ लीजिए एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? मानस नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, नेओवा घाटी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो इसमें आप देखेंगे फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ये आपको अल्पाइन घास के मैदानों के लिए काफी प्रसिद्ध भी है, और ये पूरी तरह से आप देखेंगे समशीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 19। अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में पढ़े हो आप लोग कभी? तो एक तरह से उन्हीं की बात हो रही है। बताइए अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कुछ बताइए, कौन थे और आपको बताना है कितनी बार वो प्रधानमंत्री रहे हैं, बताना है आपको। ए ऑप्शन कह रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बी कह रहा है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सी कह रहा है नीति आयोग, और डी कह रहा है कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। तो इसमें आप देखेंगे नीति आयोग, और आपको नीति आयोग के बारे में अगर बताऊं तो आप सभी को मालूम होगा कि ये नीति आयोग वही है जो आपका एक तरह से योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके 2015 में बनाया गया था, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, और इसका एक तरह से उद्देश्य ये रखा गया है कि इसका मुख्य काम यही है कि न्यू इंडिया के निर्माण का विजन और रणनीतिक मसौदा बनाना, उनका तथा कार्य योजनाएं तैयार करना। 15 अगस्त 2014 का भाषण आप लोगों ने सुना होगा प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री ने योजना आयोग को भंग करने की घोषणा की थी। उसके बाद जब योजना आयोग भंग हुआ तो उसके साथ ही पंचवर्षीय योजना का भी योग समाप्त हो गया, इसलिए आप देखते हैं कि आपकी क्या 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 13वीं नहीं आई, उसके बाद में इसका काम ही खत्म हो गया, ठीक है। तो
तो ये भी याद रखिएगा। और अटल नवाचार मिशन की अगर बात करें आपसे, तो देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा एक तरह से लाई गई थी। और इसका उद्देश्य यही है कि नवाचार पारितंत्र पर नज़र रखना और नवाचार पारितंत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए एक छत या फिर बेहद संरचना को सृजित करना, ताकि विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए समूचे समाचार चक्र पर, नवाचार चक्र पर विशिष्ट छाप छोड़ी जा सके। इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो इसमें आप लोग सी ऑप्शन लगाएंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने 20, क्या कह रहा है? जून की 21 तारीख को सूर्य उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता। बी कह रहा है दक्षिण ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता। और सी कह रहा है मध्यान्ह में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्त चमकता है। और डी कह रहा है मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्त चमकता है। तो बताइए इसमें क्या लगाओगे? चार में से एक तो सही होगा कोई कि नहीं होगा? तो इसमें आप लोग क्या देखोगे? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। ठीक है, उस गोलार्ध के लिए ग्रीष्म संक्रांति तब होती है जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम स्थान पर एक तरह से पहुंच जाता है, और माना जाता है कि इस दिन सबसे लंबा होता है। ठीक है, तो 21 में 20 में आप लोग क्या लगाओगे? ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बीस में क्या लगाओगे? ए ऑप्शन। इक्कीस जून को दोपहर को आप देखते होंगे जब सूर्य कर्क रेखा पर सिर के ठीक ऊपर देखने को आपको देखने को मिलता होगा। योग दिवस के रूप में भी तो मनाते हैं आप लोग, विश्व योगा दिवस के रूप में 21 जून को। ठीक है, तो इसमें आप लोग ए ऑप्शन लगाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 21, क्या कह रहा है? 21 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पादप समूह नवीन विश्व यानी कि न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया और इसका प्राचीन विश्व यानी कि ओल्ड वर्ल्ड में पिछलन शुरू किया गया। ए कह रहा है तंबाकू, कोको और रबड़। बी कह रहा है तंबाकू, कपास और रबड़। सी कह रहा है कपास, कॉफ़ी और गन्ना। और डी कह रहा है रबड़, कॉफ़ी, गेहूँ। बताइए तो इसमें क्या करोगे? क्या लगाओगे इसमें? 21 में क्या करोगे? तो इसमें आप देखेंगे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? नई दुनिया का अर्थ यही है कि अमेरिका जो यूरोपीय शक्ति है जैसे स्पेन, पुर्तगाली, फ्रेंच द्वारा खोजे गए थे। तंबाकू, कोको, रबड़ अमेरिका की मूल फसलें थी, पुरानी दुनिया में एशिया में पेश की गई थी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 22, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। दूसरा कह रहा है दो कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। और तीसरा कह रहा है एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। इन सभी कथनों पर आपको विचार करना है, उसके बाद आप लोगों को सही कथन इनमें से चुनना है। तो आप देखेंगे कि आप सभी जानते हैं कि एशियाई शेर की सीमा भारतीय राज्य गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में आप लोगों को सीमित देखने को मिलेगा। यानी कि ये सही एक कथन तो सही है कि एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में ही आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन दूसरा और तीसरा बिल्कुल गलत है। अब आप कहेंगे गलत क्यों है? क्योंकि आपको बता दूं कि दो कुबड़ वाला ऊंट, इसे आप लोग विक्टोरियन ऊंट भी कहते हैं, ये मध्य एशिया के स्टेप्स के लिए एक बड़ा सम पैर की उंगली का मूल निवासी है। ठीक है, मध्य एशिया की बात हो रही है।
और एक सींग वाली अगर गैंडे की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में, ना कि भारत में। और भारतीय उपमहाद्वीप की बात होती है तो आप देखते हैं आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसे आप देखिए पाकिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, आप देखिए आपके जो पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, इनको भी सबको शामिल करके देखा जाता है, तो ये सभी आपको देखने को मिलेगा। नेपाल में भी आप देखते हैं देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको केवल एक कथन सही रहेगा, ठीक है? इसमें क्या लगाओगे? ए ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन आप लोग गोला भरेंगे। और आजकल गोलाओं को भी आप लोग बड़े ध्यान से भरा करिएगा, आपका पेपर ऑफलाइन होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक बार अगर गोला गलत हो गया तो उसे सुधारने के लिए आपके पास कोई विकल्प नहीं रह जाता। तो मैं तो कहता हूँ कि एक ही बार में ध्यान से भरिए, ध्यान से देखा देखा करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 23। निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। ये आपके प्रसिद्ध स्थान हो गए और ये नदी हो गई। पंडरपुर, चंद्रभागा, तिरुचिरापल्ली, कावेरी, हम्पी, मालप्रभा। उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सम्मिलित हैं? एक तरह से आप सही जोड़ियां बनाते थे उसी तरह से आपका है। तो इसमें आप देखेंगे पंडरपुर आपका चंद्रभागा में, तिरुचिरापल्ली आप देखेंगे कावेरी, लेकिन हम्पी गलत होगा। क्या होगा? हम्पी आप देखेंगे मध्य कर्नाटक के पूर्वी भाग में, जो तुंगभद्रा नदी देखते हैं ना, इसके तट पर देखने को मिलेगा, ना कि मालप्रभा। हम्पी कहाँ? तुंगभद्रा नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या लगाओगे? ए ऑप्शन। और भीमा नदी आपको मालूम है? चंद्रभागा नदी के रूप में भी इसे आप लोग जानते हैं, चंद्रमा के आकार। चलिए इसमें क्या लगाओगे? ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 24। क्या कह रहा है? किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में अधिकारी गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं, क्योंकि गरीबी की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। बी कह रहा है कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। सी कह रहा है सकल राज्य उत्पाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। और डी कह रहा है सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। इनमें से आपको सही चुनना है। गरीबी सुने हो कि नहीं? सबसे बुरी स्थिति थी। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, बड़ा दिलचस्प आर्टिकल था। पहले आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि मैंने पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाया है। कई लोगों के मुँह से ये आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन आजकल आप लोगों को उल्टा देखने को मिलेगा। आज आप देखिए कि बच्चों की शिक्षा को काट काट कर आपको 5 किलो आटा और 5 किलो गेहूं या खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए सरकार की तरफ से। शिक्षा पर कोई बात नहीं होती है, स्वास्थ्य पर कोई बात नहीं होती है, रोजगार पर कोई बात नहीं होती है। और मैं पहले से भी कहता आया हूँ कि माल देखिए, जब तक ये तीन मुद्दे हमारे देश की राजनीति के लिए नहीं बनेंगे, चुनावी मुद्दे नहीं बनेंगे, तब तक देश तरक्की कर पाए, ये बड़ी बात होती है कहना, ठीक है? और यही आप देखिए आधारभूत एक तरह से देश को, संरचना को बढ़ाने के लिए एक तरह से स्तंभ कहे जा सकते हैं आप लोग। इन पर ध्यान देना होगा हमें, धर्म बाकी जात पात को छोड़कर तभी कुछ। खैर छोड़िए, इसमें सब कुछ है, सबकी भी गलती है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्या? कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, इसीलिए योजना आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए 2011-12 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आपने देखा होगा तेंदुलकर पद्धति, एक तेंदुलकर समिति कह लीजिए, तेंदुलकर पद्धति कह लीजिए, इसका उपयोग करते हुए गरीबी रेखा का अनुमान लगाया गया था। और आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये और शहरी क्षेत्रों में, प्रति व्यक्ति की बात कर रहा हूँ महीने की, और शहरी क्षेत्रों में आप देखिए 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह, एक तरह से जो खर्च मतलब जिनके पास उपलब्ध है उन्हें गरीबी की रेखा, उन इससे नीचे गरीबी की रेखा में शामिल किया जाता है। और मैं आपसे ही एक सवाल करता हूँ, आप ही बताइए, क्या 1,000 रुपये में आप किसी शहर में रह रहे हैं तो 1 महीने का खर्च आपका चल सकता है?
गांव में तो मान लीजिए आपका खाने के लिए आपका आपके पास सब्जी हो जाती है, गेहूं हो जाता है, आपको किराया नहीं देना होता है। तो आप समझिए, मतलब आप सोचिए, बहुत पुरानी एक तरह से तकनीक यानी कि आधार माने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि नई पद्धति के अनुसार कुछ गणना होनी चाहिए, क्योंकि 1000 रुपये आज नॉर्मल खाना खाएंगे तो 60 से 70 रुपये की थाली आपकी एक टाइम की पड़ेगी। दो टाइम तो खाओगे कि एक ही टाइम रह जाओगे। तो पता नहीं क्या ध्यान में रखते हुए ये गरीबी निर्धारण के मापक मानदंड अपनाए हुए हैं इन्होंने। चलिए इसमें फिलहाल आप लोग बी ऑप्शन लगाओगे, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने 25। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पक्षाव मेघ विरलन तकनीक तथा समता मंडल में सल्फेट वायु विलय अंताक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं? इसमें ए ऑप्शन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? ए कह रहा है कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए, बी कह रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता और तीव्रता को कम करने के लिए, सी कह रहा है पृथ्वी पर सौर पवनों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, और डी कह रहा है भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। तो इसमें आप देखेंगे क्या होगा, 25 में आपका डी ऑप्शन लगाओगे आप लोग, क्या लगाओगे? भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए, वैश्विक मंद प्रभाव पैदा करने के लिए, समता मंडल में सल्फेट एरोसोल की क्षमता में उन्हें ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते स्तर के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और प्रभाव को सीमित करने के लिए सौर विकिरण प्रबंधन जलवायु इंजीनियरिंग परियोजना में की बात की जा रही है। तो इसमें आप लोग डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 26। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है? ए कह रहा है दुर्लभ रेयर भू तत्वों का निष्कर्षण, बी कह रहा है प्राकृतिक गैस निष्कर्षण प्रौद्योगिकी, सी कह रहा है हाइड्रोजन ईंधन आधारित ऑटोमोबाइल, और डी कह रहा है अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। तो इसमें आप देखेंगे क्या रहेगा, 26 में आप लोग डी ऑप्शन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 27। निम्नलिखित में से कौन से अगस्तमाला जीवमंडल रिजर्व में आते हैं? निम्नलिखित में से कौन अगस्तमाला माला जीवमंडल रिजर्व में आते हैं? ए कह रहा है नेयार, पेप्पारा और सेरदुर्ने वन्य प्राणी अभयारण्य, और कालागढ़ मुंदनुथुराई बाघ रिजर्व। बड़े अजीब नाम है, और आप देखेंगे दक्षिण भारत में ही आपको देखने को मिलेंगे इस तरह के नाम। वी कह रहा है मुदुमलाई, सत्यमंगलम और वायनाड वन्य प्राणी अभयारण्य और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, सी कह रहा है कोडिन गुंडला, ब्रह्मोसरम और पापीकोंडा वन्य प्राणी अभयारण्य और मुखुर्ती नेशनल पार्क, और डी कह रहा है कावल और श्री वेंकटेश्वर वन्य प्राणी अभयारण्य और नागार्जुन सागर श्री सेलम बाघ रिजर्व। इन चार में से आपको एक तो सही होगा, वही चुन लीजिएगा। तो इसमें आप देखेंगे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेयार, पेप्पारा और इसमें आप देखेंगे सेरदुर्ने वन्य प्राणी अभयारण्य और कालागढ़ मुंदनुथुराई बाघ रिजर्व, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसमें क्या रहेगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, अगस्तमलाई। यहाँ आपने देखा होगा अगस्तमलाई जब मंडल देश के दक्षिण में पश्चिमी घाट में आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर यहाँ देखेंगे उष्णकटिबंधीय वन आपको देखने को मिलेंगे। लगभग पौधों की यहाँ 2254 प्रजातियों के घर हैं,
जिसमें आप देखेंगे 400 स्थानिक लगभग हैं। विशेष रूप से आप सुनते होंगे इलायची, जामुन, जायफल, काली मिर्च, केला और 3 वन्यजीव अभ्यारण्य भी हैं जिनके नाम बता चुका हूँ, ठीक है, तो इन्हें भी याद रखा करिएगा। वन्यजीव अभ्यारण्यों से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्ट कई बार। क्वेश्चन है हमारे सामने 28। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार ही करोगे और क्या कर सकते हो। इसमें पहला कथन आपसे कह रहा है, समुद्री कच्छपों की कुछ प्रजातियां सागभक्षी होती हैं। दूसरा कह रहा है, मछली की कुछ जातियां सागभक्षी होती हैं। तीसरा कह रहा है, समुद्री स्तनपायियों की कुछ जातियां सागभक्षी होती हैं। और 4 कह रहा है, सांपों की कुछ जातियां सजीव फ्रिजक होती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बता दूं कि इसमें चारों कथन आपके बिल्कुल सही कह रहा है। क्या कह रहा है? समुद्री कछुए मांसाहारी यानी कि मांस खाने वालों को आप लोग, और शाकाहारी पौधे खाने वाले होते हैं, और सर्वाहारी की बात करें तो आप देखें ये मांस भी खाते हैं, पौधे भी खाते हैं, और इसमें आप लोगों को रख सकते हैं, हम लोग हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? डी ऑप्शन होगा इसमें। क्या होगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। किसमें? 28 में। क्वेश्चन हमारे सामने 29। निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। ये आपके वर्ण प्राणी हो गए और प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं बताइए। तो इसमें आप लोग पहला देखेंगे, तो पहला कह रहा है इसमें आपका, नीले मीन पक्ष वाले महासीर, कावेरी नदी, इरावदी डॉल्फिन, चंबल नदी, मोरचाप यानी कि रस्टी चित्तीदार बिल्ली, पूर्वी घाट। उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सम्मिलित हैं? तो इसमें आप देखेंगे कि एक तो आप देखेंगे इसमें आपका पहला बिल्कुल सही है, नीले मीन पक्ष वाली महाशिविर आपको कावेरी नदी में देखने को मिलेगा, और इसमें इरावदी डॉल्फिन ये चंबल में नहीं है, ठीक है, और मोर चाव यानी कि रष्टी चित्तीदार बिल्ली ये पूर्वी घाट में देखने को मिलेगी, यानी कि 1 और 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें, दूसरा आपका बिल्कुल गलत है। क्योंकि इरावदी डॉल्फिन की अगर बात करें तो ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में तटीय क्षेत्रों में और 3 नदियों में पाई जाती है। इसमें अयरवाड़ी यानी कि म्यांमार में, महाकम ये इंडोनेशियाई के बोर्नियो में, और मेकांग इन 3 नदियों में ये देखने को मिलेगी आपको। बाकी दोनों आपके बिल्कुल सही थे, यानी कि इसमें आपका क्या रहेगा? सी ऑप्शन, 1 और 3 कथन क्या था? बिल्कुल सही था। क्वेश्चन है हमारे सामने 30। पर्यावरण में निर्मुक्त होने वाली सूक्ष्म मणिकाओं यानी कि माइक्रोबीड्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? ये चिंता का विषय क्यों बना हुआ है? इनके कहने का मतलब सीधा सा यही है। तो इसमें पहला कथन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है पहला कथन, कुछ कहेगा? ए, समुद्री पारितंत्र के लिए हानिकारक मानी जाती है। बी कह रहा है, ये बच्चों में त्वचा कैंसर होने के कारण मानी जाती हैं। और सी कह रहा है, ये इतनी छोटी होती हैं कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशेषित हो जाती हैं। और डी कह रहा है, अक्सर इसका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए किया जाता है। तो याद रखिए इसमें ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है, और इसलिए आप देखेंगे कि ये चिंता का कारण भी बनी हुई है। माइक्रोबीड्स अपने सबसे बड़े आयाम में 1 मिलीमीटर से कम के ठोस प्लास्टिक कणों से निर्मित होते हैं, और ये अक्सर आप देखेंगे पॉली इथाइलीन से बने होते हैं, समझ रहे हैं। और माइक्रोबीड्स प्लास्टिक के कण जल प्रदूषण का कारण बन सकते हैं, और मीठे पानी और समुद्र के पानी में जलीय जानवरों के लिए पर्यावरणीय खतरा भी पैदा कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 31। क्या कह रहा है 31 क्वेश्चंस? ये कह रहा है कि हाल ही में हमारे देश में हिमालयी बिच्छू बूटी जिराडिनिया डाइवर्सी फोलिया के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी, क्योंकि यह पाया गया है यह पीति मलेरिया औसत का संधारणीय स्रोत है। बी कह रहा है, यह जैव डीजल का संधारणीय स्रोत है।
सी कह रहा है यह कागज उद्योग के लिए लुगदी का संधारणीय स्रोत है, और डी कह रहा है यह वस्त्र तंतु का संधारणीय स्रोत है। तो बताइए किसका स्रोत है? तो इसमें 31 में आप लोग क्या देखोगे? इसमें होगा आपका क्या? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। यह वस्त्र तंतु का संधारणीय स्रोत माना जा रहा है, इसलिए काफ़ी चर्चा में भी था। एक कपड़ा फाइबर का एक स्थायी स्रोत भी माना जाता है। इससे क्या होगा? कपड़ा उससे बनी चीज़ें। और भारत सरकार ने हिमालयन इंडियन बिछुआ से उत्पादों के विकास नामक एक परियोजना भी चलाई हुई थी, कोलकाता विश्वविद्यालय को मंजूरी दी हुई थी, तभी चर्चा में था और तभी आप देखेंगे ये क्वेश्चंस में आया हुआ है आपका। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 32, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसका किनका मापन आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है? इसमें पहला कथन कह रहा है किसी विशेष स्थान की वनस्पति में फर्ण हरित का अंश, दूसरा कह रहा है किसी विशेष स्थान के धान खेतों में ग्रेन हाउस गैस का उत्सर्जन, और तीसरा कह रहा है किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान। नीचे दी गई कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसमें याद रखिए आपके तीनों का बिल्कुल सही बात है, यानी कि डी ऑप्शन आप लोग इसमें लगाएंगे। और इसमें मैपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कई तरंग दैर्ध्य में चित्र लेते हैं, और इसके आप देखेंगे इससे सर्वेक्षण के आधार पर भूमि कवर के नक्शे और मानचित्र, इस तरह के खनिजों की संभावना, भूमि उपयोग का पता लगाना, निगरानी करना, इन सब की बात की जाती है। और इससे क्या होगा कि तापमान किसी भूमि का आप देखिए तापमान मापना भी संभव हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 33, निम्नलिखित राज्यों पर आपको विचार करना है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। उपयुक्त राज्यों के संदर्भ में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही क्रम है, आरोही अनुक्रम है? बताइए, तो कुछ मालूम है? तो इसमें आप लोग देखेंगे क्या देखेंगे? सबसे पहले आप लोग महाराष्ट्र जाइए, महाराष्ट्र में कितना है? 16%। फिर आप लोग जाइए कहाँ? एमपी। एमपी में कितना है? 25%। फिर आप जाइए कहाँ? उड़ीसा। उड़ीसा में 32%। उसके बाद आप जाइए कहाँ? छत्तीसगढ़, 42%। और अनुक्रम में लगाने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले आप लोग कहाँ जाएंगे? महाराष्ट्र से शुरू करेंगे, फिर आप लोग जाएंगे मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसमें 33 में क्या लगाओगे? सी ऑप्शन। चलिए, यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बाकी राज्यों के बारे में कुछ बता देते हैं पॉइंट। एक बार आप लोग भारत के मैप को और इन सभी राज्यों को आप लोग बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, और इनकी एक राज्य की सीमा कितने राज्यों से लग रही है, या फिर इनकी इन राज्यों की सीमा, किसी राज्य की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन देशों से लगती है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है आपसे। छत्तीसगढ़ के बारे में आप लोग जानते होंगे,
1 नवंबर 2000 में इसे मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। और आपको मालूम होगा कि जब तक मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था छत्तीसगढ़, तब तक क्षेत्रफल में पहले नंबर पर था आपका मध्य प्रदेश। अब आप जानते हैं कि अब मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है और राजस्थान पहले नंबर पर है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसकी राजधानी आप सभी को मालूम होगी कि रायपुर है। और यहाँ आप देखेंगे तो विधानसभा सीटें 90 हैं, राज्यसभा सीटें 5 हैं, लोकसभा सीटें 11 हैं, ठीक है। वहीं अगर हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को राज्य कब बनाया गया था, राज्य का दर्जा कब दिया गया था, 1 नवंबर 1956 को। इसे आप लोग टाइगर प्रदेश भी कहते हैं, आप लोग हृदय प्रदेश भी कहते हैं, नदियों का मायका भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ आप लोगों को 230 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा में 29 सीटें हैं और राज्यसभा में यहाँ 11 सीटें हैं और इसकी राजधानी भोपाल है, ठीक है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो आप सभी को मालूम होगा कि इसे राज्य का दर्जा 1 मई 1960 को मिला था, इसकी राजधानी मुंबई है और यहाँ आप लोगों को विधानसभा सीटें देखने को मिल जाएंगी 288, विधान परिषद भी है यहाँ, इसमें 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं और लोकसभा में 48 सीटें हैं। वहीं उड़ीसा की बात करें तो नवीन पटनायक आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें आप देखें अगर इसे तो इसे राज्य का दर्जा मिला था एक तरह से, आप देखिए ये बहुत पुराना है राज्य, पता है आज़ादी से पहले भी आपका उड़ीसा हुआ करता था और इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। और यहाँ आप देखेंगे विधानसभा सीटें 147 देखने को मिलेंगी, लोकसभा सीटें 21, राज्यसभा सीटें 10 देखने को मिलेंगी, ठीक है। इनके बारे में याद रखिएगा, तो इसमें 33 में आप सी लगाओगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 33 में सी। 34 क्वेश्चन, मेथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका पहला कथन क्या कह रहा है, भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मेथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। दूसरा कह रहा है मेथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंडा में तथा समुद्र अधिस्थल के नीचे पाए जाते हैं। और तीसरा कह रहा है वायुमंडल के अंदर मेथेन एक या फिर दो दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। नीचे दी गए कूट का प्रयोग करके आपको उत्तर चुनना है, सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए इसमें तीनों बिल्कुल सही हैं आपके, क्या हैं, तीनों बिल्कुल सही हैं आपके, यानी कि आप लोग डी ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 35, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन सी निर्मुक्त होती है, यानी कि फसल दहन, आप देखते हैं ना कि जैसे मान लीजिए आप लोगों ने गेहूं काटा तो ऊपर की वालियां आप लोगों ने काट ली, नीचे का जो आप देखते हैं हिस्सा वो छोड़ दिया, उसके बाद क्या कहते हैं आप लोग कि उसे आग लगा देते हैं, तो उसी की बात हो रही है। तो इनमें से कौन सी गैस छूटती है, उससे आती है, तो इसमें आप देखेंगे कौन कौन सी देश, इसमें आपको चारों गैसें आप देखने को मिलेंगी, क्या देखने को मिलेंगी, चारों गैसें छूटती हैं इससे आती हैं। और आप देखिए इससे वायु प्रदूषण भी फैलता है, लेकिन आप देखिए किसानों के पास दूसरा विकल्प भी तो नहीं है, उनके पास विकल्प है लेकिन वो महंगा है। आप देखिए कि जो फसल का जो भी अवशेष बचता है उसे जलाने की बजाय आप देखिए अगर उसकी जुताई कर दी जाए, आप देखते हैं कि छोटे छोटे टुकड़े करवा दिए जाएँ और इसके लिए आप देखते हैं कि खर्च होगा, तो मुझे लगता है कुछ सरकार अगर मदद कर दे तो आप सोचिए कि वो खाद के रूप में भी बन सकता है वही अवशेष, इससे आप देखिए कि फसल को भी फायदा होगा और आप वायु जो भी प्रदूषण फैल रहा है, ये गैसें निकल रही हैं, इन्हें भी आप रोक सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखिए सरकार इतना ध्यान दे तब तो। चलिए आगे चलते हैं,
हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 36। अगला प्रश्न कौन सा है? 36। निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। ये आपके सागर हो गए और सागर से लगा हुआ देश हो गया ये, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने विश्व का भूगोल अगर पढ़ा होगा तो आप लोगों को इनके बारे में मालूम भी होगा। और मैंने उस समय मैप का सहारा लेकर बताया भी था कि देख लीजिएगा ये आपका है, ठीक है। एडियाटिक सागर, एडियाटिक सागर अल्बानिया, अल्बानिया, काला सागर क्रोएशिया, कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, भूमध्य सागर मोरक्को, लाल सागर सीरिया। बताइए इसमें क्या करोगे? तो इसमें आप देखेंगे एक ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा आपका, एडियाटिक सागर अल्बानिया देश लगा हुआ है इससे, और दूसरा अगर आप पढ़ेंगे दूसरा आपका गलत है, तीसरा कैस्पियन सागर से कजाकिस्तान बिल्कुल सही है, भूमध्य सागर से मोरक्को बिल्कुल सही लगा, लाल सागर ए सीरिया ये भी गलत है। इसमें आप देखेंगे कि 1, 3, 4 सही है, 2 और 5 गलत है। 2, 5 क्या है? गलत है, सही सम्मिलित नहीं है। अगर मैप उठा के आप लोग देखेंगे तो आप लोग देख भी सकते हैं, इनकी अवस्थिति भी देख सकते हैं। और जब भी याद रखिए इस तरह का टॉपिक पढ़ रहे हो तो मुझे लगता है कि आप लोग मैप का सहारा लेकर पढ़ा करिएगा। एडियाटिक सागर की अगर हम लोग बात करें, एड्रियाटिक सागर भी कहते हैं इसे, भूमध्य सागर का ही एक हिस्सा देखने को मिलेगा जो इटली के पूर्व तट पर और बाल्कन प्रायद्वीप के देशों के बीच, जैसे स्लोवेनिया हो गया, दक्षिण से क्रोएशिया, मॉन्टेनेग्रो और अल्बानिया आपको देखने को मिलेगा, ये सभी लगे हुए हैं। वहीं अगर हम लोग काला सागर की बात करें तो अंतर्देशीय समुद्र है जो सुदूर दक्षिण यूरोप, पूर्वी यूरोप में और एशिया महाद्वीप के सुदूर पश्चिमी किनारों और तुर्की देश के बीच आपको देखने को मिलेगा। इसकी सीमा की बात करें तो तुर्की हो गया, बुल्गारिया हो गया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, इन सभी से लगे हुए हैं, ठीक है। और अगर हम लोग लाल सागर की बात करें, कैस्पियन सागर से तो आप सभी को मालूम होगा कि एशिया और यूरोप के बीच आपको देखने को मिलेगा ये, और इसकी सीमा ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान और रूस से देखने को मिलेगा। लाल सागर की सीमा की बात करें तो 6 देशों से लगती है, एक तो सऊदी अरब है, यमन है, मिस्र है, सूडान है, इरिटिया है और जिबूती है, ठीक है, सीरिया नहीं है इसमें। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। बड़े सरल क्वेश्चन हैं, बस आप लोगों ने अगर मैप का सहारा लेकर एक बार देख लें इनकी अवस्थिति तो मुझे लगता है कि बेहतर आप लोग इन्हें पढ़ पाएंगे और समझ भी पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 37। निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है? निर्यातक का मतलब समझ रहे हैं, दूसरे देशों को बेच रहा है। आयातक का मतलब होता है कि हम लोग दूसरी जगह से आयात कर रहे हैं। मान लीजिए किसी चीज़ को अगर आप लोग बेच रहे हैं तो आप निर्यातक कहलाएंगे, और किसी चीज़ को खरीद रहे हैं, किसी वस्तु को खरीद रहे हैं तो आयातक कहलाएंगे। तो उसी की बात हो रही है। तो बताइए इसमें आप देखेंगे चाइना, इंडिया, चाइना, भारत, म्यांमार, वियतनाम। तो आपको बता दूं कि 2011-12 थाईलैंड ने को अपने नेतृत्व की दृष्टि स्थिति से भारत सबसे दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया था उस समय, ठीक है। तो इसमें आपका क्या था? भारत था। चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा था भारत। इसमें क्या लगा होगा? बी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। 37 में क्वेश्चन है हमारे सामने 38। निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। ए आपकी हिमनद हो गई और ए नदी हो गई। बंदरपूंछ, यमुना, वारासिगरी, चेनाब, मिलाम, मंदाकिनी, सियाचिन, नुब्रा, जेमू, मानस। उपयुक्त में से सही कौन से सही युग्म सही सम्मिलित हैं बताइए। इनका सभी का स्रोत पूछ रहा है एक तरह से। तो इसमें आप देखेंगे
क्या देखेंगे? इसमें आपका बंदर पूछ, ये यमुना बंदर पूछ से निकलती है, बिल्कुल सही बात है। चेनाब बारह सिगरी, ये भी बिल्कुल सही है। मिलाम मंदाकिनी मिलाम, ये गलत है। सियाचिन नुब्रा से सियाचिन, बिल्कुल सही है। मानस जेमू, ये भी गलत है। तीन और पांच गलत है और आपका एक दो चार सही है, यानी कि ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा। मंदाकिनी की अगर बात करें तो आप देखेंगे उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा, केदारनाथ के पास आपको चौराबाड़ी ग्लेशियर देखने को मिलेगा ना, वहीं से निकलती है। और अगर हम लोग मानस नदी की बात करें तो एक तरह से ये भूटान में आप देखेंगे। और ये आप देखते हैं कि भारत में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले से निकलती है आपकी, ठीक है। बल्कि जम्मू आपका सिक्किम में देखने को मिलेगा, इसलिए ए ऑप्शन इसमें सही रहेगा। आप देख रहे होंगे कि हर पुराने क्वेश्चंस पेपर में भी कि नदियों से भी क्वेश्चंस हर बार पूछे जा रहे हैं आपके। अगला क्वेश्चन है 39, भारत में कार्बोफ्यूरेन मैथिल पैराथियोन फॉरेट और ट्राई एजोफोस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है, ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? कृषि में पीड़क नाशी भी कह रहा, संसाधित खाद्यों में परिरक्षण, और सी कह रहा है फल पक्कन कारक, और डी कह रहा है प्रसाधन सामग्री में नमी बनाए रखने वाले कारक। तो इसमें आप देखेंगे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, कृषि में पीड़क नाशी के रूप में, और इसीलिए क्या बना हुआ है, चिंता का कारण बन सकता है। एक तरह से जहरीली भी माने जाते हैं कीटनाशक, समझ रहे हैं? इसका उपयोग आलू मक्का सोयाबीन सहित विभिन्न प्रकार की फसलों के जो कीड़े लगते हैं ना, उन्हें नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग ये ऑप्शन लगाएंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आदिभूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। दूसरा कह रहा है आदिभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे। और तीसरा कह रहा है आदिभूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2010 आदिभूमियों की अपवाद क्षेत्र या फिर जल ग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। इन तीनों कथनों में से आपको सही कथन चुनना है। क्या करना है, सही कथन देखना है। कैसे देखोगे? तो इसमें आप देखेंगे अगर, तो पहला कथन बिल्कुल गलत है आपका। क्या है पहला कथन आपका? बिल्कुल गलत है। और एक आप देखेंगे कि आपका दूसरा कथन भी बिल्कुल गलत है, केवल इसमें तीसरा कथन बिल्कुल सही है। क्या है? तीसरा कथन बिल्कुल सही है। आदिभूमियों के बारे में पढ़ते रहते हैं ना, ये ऐसा कोई बाध्यकारी प्रावधान नहीं है, रामसर सम्मेलन के अनुबंधित पक्ष के लिए एक तरह से निम्नलिखित तरीके से वचनबद्ध है। इसमें आप देखेंगे तो ये कोई बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। आदिभूमि रामसर कहाँ देखने को मिलेगा? रामसर कन्वेंशन के बारे में भी कई बार आप लोग पढ़ते रहते हैं, इनसे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। देखिए आदिभूमि के बारे में अगर हम बात करें तो आदिभूमि एक ऐसी भूमि होती है, क्या होती है,
जहाँ जिसका आप देखेंगे कि एक तरह से जिसका एक ऐसा भूभाग होता है जहाँ पारितंत्र के बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से भरा रहता है या जल में डूबा रहता है, ठीक है। और ऐसे क्षेत्रों में आप देखेंगे जलीय पौधे आपको अधिक देखने को मिलेगी, और यही आर्द्रभूमियों के रूप में परिभाषित किए गए हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि यही जैव विविधता की दृष्टि से भी बहुत ही संवेदनशील भी होते हैं। और आर्द्रभूमि दिवस भी आप लोगों ने देखा होगा, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। और 1971 में आप देखेंगे ईरान की शहर था एक रामसर, यहाँ कैस्पियन सागर के तट पर आर्द्रभूमि का एक अभिसमय अपनाया गया था। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक तरह से इसे मनाया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे भी। तो इसमें आपका केवल सी यानी कि केवल 3 कथन सही था, बाकी 1 और 2 बिल्कुल गलत थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 41, क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। दूसरा कह रहा है मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। तीसरा कह रहा है कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। और इन सभी कथनों में से आपको सही कथन चुनना है। क्या करना है? सही कथन का चुनाव करना होगा एक तरह से। तो इसमें क्या लगाओगे, कुछ आइडिया है? आइडिया ऑफ इंडिया का। तो इसमें आप देखेंगे तीनों कथन आपके बिल्कुल सही रहेंगे। क्या रहेंगे? तीनों कथन बिल्कुल सही रहेंगे। यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 42। अलियार ईसापुर और कमसावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? ए कह रहा हाल ही में खोजे गए यूरेनियम निक्षेप, बी कह रहा उष्णकटिबंधीय वर्षावन, और सी कह रहा है भूमिगत गुफा तंत्र, और डी कह रहा है जल भंडार। तो बताइए क्या रहेगा इसमें। तो आपको बता दूं कि जल भंडार। क्या रहेगा? जल भंडार। अलियार आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, ईसापुर आपको महाराष्ट्र में, और ये आपका कमसा या कंगसावती ये पश्चिम बंगाल में जलाशय देखने को मिलेगा, जहाँ जल स्तर सामान्य क्षमता से काफ़ी नीचे पहुँच गया, इसलिए काफ़ी चर्चा में था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें। क्वेश्चन है हमारे सामने 43। सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित सीएनजी का इस्तेमाल करने के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार ही करोगे। और इसमें पहला कथन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है? हाइड्रोजन सीएनजी के इस्तेमाल का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जनी का विलोपन, और दूसरा कह रहा है ईंधन के रूप में एस सीएनजी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन को कम करती है, बसों के लिए ईंधन के रूप में सीएनजी के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पर 1/5 हिस्से तक मिलाया जा सकता है, और चौथा कथन कह रहा है कि सीएनजी की अपेक्षा एच सीएनजी ईंधन को कम खर्चीला बनाती है। और आगे ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। क्या पूछ रहा है? कि इनमें से 4 कथनों में से सही कथन आपको सी एन जी के एच सी एन जी के परिप्रेक्ष्य में बताना है। तो क्या बताओगे? तो इसमें आप देखोगे कि इसमें आपका एक तो दूसरा कथन बिल्कुल सही है, एक आपका
तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है, चार और एक बिल्कुल कथन गलत है। क्यों गलत है? इसमें आप देखेंगे तो HCNG में प्राकृतिक गैस NCG और कुछ हाइड्रोजन का मिश्रण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। HCNG जैसे आंतरिक दहन इंजन ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और इंजन का एक स्वच्छ स्रोत भी माना जा रहा है और इसके कुछ फायदे भी हो सकते हैं। HCNG CO के उत्सर्जन को यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड को 70% तक कम कर सकता है। कितना? 70% तक, पूरी तरह से विलोपित नहीं कर सकता है, ठीक है। और ईंधन में 5% तक की बचत को सक्षम बना सकता है। और दिल्ली सरकार ने, आपने देखा होगा कुछ समय पहले, 50 HCNG बसें शामिल करने के लिए प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे की जरूरत का अध्ययन करने, एक तरह से अध्ययन के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ करार भी किया हुआ था, तो उसी की बात हो रही थी। HCNG की लागत CNG से अधिक देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए आपका एक और चार कथन है, लेकिन इसमें आपसे सही पूछा था, तो 2 और 3 सही है, यानी कि आप देखेंगे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसमें क्वेश्चन है हमारे सामने 44, मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती। ओस आप लोग देखे होंगे ना, सुबह से आप लोग निकलते होंगे, पार्क जाते होंगे, तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा इन्हें। तो इसमें एक कथन क्या कह रहा है आपसे, एक कह रहा है भूपृष्ठ से निर्मुक्त विकिरण को बादल अवशोषित कर लेते हैं, बी कह रहा है पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं, सी कह रहा है मेघाच्छादित रातों में भूपृष्ठ का तापमान कम हो जाता है, और डी कह रहा है बादल बहते हुए पवन को भूमि तल की ओर विक्षेपित कर देते हैं। तो बताइए इसमें क्या करोगे, कुछ करोगे? इसमें सीधी सी बात है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आसमान अगर जितना साफ हो और इसका उसका उतना ही अधिक आपको देखने को मिलेगा, और बादल अगर रहेंगे ज्यादा तो ये कम देखने को मिलेगा। पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं, इसलिए कम देखने को मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 45, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आपसे। इसमें पहला कथन क्या कह रहा है, भारत के संविधान में 44वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्वलोकन के परे कर दिया है। भारत के संविधान के 99वें संविधान संशोधन भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभी खंडित कर दिया, यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बता दूं, पहला तो बिल्कुल गलत है, लेकिन दूसरा आपका बिल्कुल सही है। दूसरा बिल्कुल सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। 15 अगस्त 1975 को एक अधिनियम भारत के संविधान में 39वां संशोधन आपने देखा होगा, 1975 की बात कर रहा हूं। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव को भारतीय अदालत की अदालतों की जांच से परे रखा था। इसे 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान पारित किया गया था, इंदिरा गांधी को अपनी सीट बचाने के लिए, अपनी गद्दी बचाने के लिए। और 99 की अगर बात करें हम लोग, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी इसमें। 2015 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 4-1 बहुमत से कॉलेजियम प्रणाली बरकरार रखा और NJC को असंवैधानिक करार दिया था। और 44वां संविधान संशोधन एक कारण से और भी चर्चा में रहा है, जो आप संपत्ति का मौलिक अधिकार देखते थे ना पहले, आपके भाग 3 में मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे, संपत्ति के मौलिक के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया था, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है, तो वो भी जुड़ा हुआ था।
तो इसमें आप लोग वी ऑप्शन लगाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 46, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें पहला कथन कह रहा है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरा कह रहा है भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। और तीसरा कह रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए। और चार कह रहा है यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन की कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। तो बताइए इसमें क्या करोगे? छियालीस में क्या करोगे? इसमें अगर आप लोग पढ़ेंगे इसे अच्छे से तो इसमें आपका एक तो तीन कथन बिल्कुल सही बताएगा और एक चार, पहला और दूसरा बिल्कुल गलत है। पहला दूसरा क्या है? बिल्कुल गलत रहेगा। देखिए आपको बता दूं, स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के पास कोई प्रस्ताव स्वीकार अस्वीकार करने का विवेक का अधिकार होता है एक तरह से, ठीक है। और भारतीय संविधान में यह परिभाषित नहीं किया गया है और ब्यौरे कि क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं, तो इसलिए भी गलत है आपका। तीन और चार बिल्कुल सही है आपका। तीन चार क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। ये भी आप देखेंगे 2018-19 में काफ़ी चर्चा में रहा, इसलिए ये भी आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के बारे में भी पढ़े होंगे। महाभियोग प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और अध्यक्ष सभापति को 100 सदस्यों लोकसभा के मामले में, वहीं अगर राज्यसभा के मामलों में बात करें तो 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित निष्कासन प्रस्ताव दिया जाना चाहिए, ठीक है। और अध्यक्ष सभापति प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं, उसे स्वीकार करने से इनकार भी कर सकते हैं। इनके पास एक तरह से दोनों शक्तियां रहती हैं। और संविधान में कहीं भी आप देखेंगे अक्षमता और सिद्ध दुर्व्यापार शब्द को परिभाषित नहीं किया गया हमारे संविधान में, इसलिए आप देखेंगे दोनों आपके एक और दो दोनों कथन बिल्कुल गलत हैं। तीन और चार आपका बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 47। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत में संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? अब आप देखिए कब कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, क्या क्या इसमें शामिल है, इन सब के बारे में भी पढ़ते रहा करिएगा। इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, बड़े सरल क्वेश्चंस रहते हैं। 1951 में किसकी कौन प्रधानमंत्री था आप बताइए? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया होगा तो आपको मालूम होगा कि इस समय जवाहरलाल नेहरू थे। और भारतीय संविधान के पहले संशोधन में इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेहरू सरकार द्वारा 10 मई 1951 को न्यायिक निर्णयों और विशेष रूप से मौलिक अधिकारों के अध्याय के बारे में घोषणा को संबोधित करने के लिए पेश किया गया था ये, ठीक है। और आप देखिए उस समय 9वीं अनुसूची में जो भी विषय डाल दिया जाता था, जो भी कानून डाल दिया जाता था उस पर सुप्रीम कोर्ट या कहीं चर्चा नहीं हो पाती थी, ठीक है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। और हमारे पहले प्रधानमंत्री भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप सभी जानते भी होंगे। तो इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 48। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया। और दूसरा कह रहा वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। तीसरा कह रहा भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है।
इनमें से आपको सही कथन चुनना है। तो मुझे लगता है कि पहला कथन इसमें सही है और बाकी दो और तीन बिल्कुल गलत हैं। दो और तीन बिल्कुल गलत हैं। आज़ादी के बाद आपने देखा होगा भारत का जो कोयला उद्योग था ना, निजी क्षेत्रों द्वारा संचालित होता था, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार जब बनती है तो ये कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973 लाती हैं और इसके माध्यम से सभी कोयला होल्डिंग्स को कोयला इंडिया को हस्तांतरित कर देती हैं। ठीक है, हस्तांतरित करने का निर्णय नहीं लेती हैं और इनका आप देखेंगे नीलामी के आधार पर इनका किया जाता है, ना कि लॉटरी के माध्यम से। और भारत अभी भी आप देखते हैं कोयला के क्षेत्र में आपूर्ति के लिए आयात पर निर्भर है, यानी कि हमारे पास इतना उत्पादन अभी भी नहीं होता है कि अपना हम लोग आपूर्ति कर सकें, इसलिए हम लोग बाहर से आयात भी करते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, इसमें केवल एक कथन सही है, बाकी दो और तीन गलत हैं, क्योंकि लॉटरी के माध्यम से नहीं होता है, नीलामी के माध्यम से होता है और हम लोग आत्मनिर्भर नहीं हैं बल्कि हम लोग आयात करते हैं, इसलिए आपका ये दो और तीन बिल्कुल गलत है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 49, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों की कुल लाभ का पद के आधार पर निर्हरता से छूट देता है। दूसरा कह रहा है उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया है। और तीसरा कह रहा है शब्द लाभ का पद भारत के संविधान की भली भांति परिभाषित किया गया है। उपयुक्त में से कौन सही सम्मिलित है? इन तीन कथनों में से आपको लाभ के पद में सही बताना है। लाभ का पद कौन सा लाभ का पद होगा? आप लोगों ने अगर राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तो इसमें क्या करोगे, कुछ करोगे? 49 में आप देखें तो पहला कथन बिल्कुल सही है इसमें और दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा आप लोग गलत देखेंगे। क्या देखेंगे? तीसरा कथन आपका बिल्कुल गलत है। संविधान में ये लाभ का पद एक तरह से परिभाषित नहीं है, ठीक है, इसलिए गलत है। चलिए आगे भी चलते हैं हम लोग, क्या कह रहा है। इसमें आप लोग ए ऑप्शन लगा देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 50, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? बताइए इसमें क्या करोगे, कुछ कर पाओगे? तो याद रखिए इसमें आप देखेंगे तीसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। तो इसमें आप देखेंगे इसमें 5वीं अनुसूची होगी आपका। क्या होगी? 5वीं अनुसूची। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है आपसे? भारत में विशिष्ट असुरक्षित जनजातीय समूहों पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PVTGS देशों की 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्रों में निवास करती है। दूसरा कह रहा है स्थिर या कम होती जनसंख्या PVTG स्थिति के निर्धारण के मापदंड में से एक है। और तीसरा कह रहा है देश में अब तक 95 PVTGS आधिकारिक रूप से अधिसूचित हैं। और चार कह रहा है PVTG की सूची में इरोलार और कोंडा रेड्डी जनजातियां शामिल की गई हैं। इनमें से आपको चार कथनों में से सही कथन चुनना है। क्या करना है? सही कथन चुनना है। कैसे चुनोगे? 51 में
तो इसमें आप देखेंगे, एक तो आपका पहला बिल्कुल सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है, और चार बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा आपका गलत है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो 75 शामिल हैं, वरना की 95, ठीक है। विशेष रूप से कमजोर हैं 75 समूह, ठीक, जनजातीय समूह। ये बढ़ते रहते हैं, ये घटते रहते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। तो इसमें आप देखेंगे 1, 2, 4 सही रहेगा इसमें, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसमें, 51 में सी ऑप्शन लगाओगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 52, क्या कह रहा है, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट पिति सेद अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संविधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते, निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है। ए कह रहा है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय निर्णयों को किसी भी न्यायालय की में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और इसमें दूसरा कथन कह रहा है कि भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं है होता। और सी कह रहा है, देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं कर सकता, ठीक है। और इसमें आपका डी कह रहा है, कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल संघ और विधानमंडल की सहमति के बिना विधि निर्मित नहीं कर सकते। तो इसमें आप देखेंगे तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। उच्चतम न्यायालय की बात हो रही, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। आर्टिकल 142 के अनुसार आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है और डिक्री पारित कर सकता है या फिर एक आदेश दे सकता है, ठीक है। और ये पूरे भारत देश के लिए होता है, ना कि किसी एक क्षेत्र के लिए। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 53। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कुछ जानना चाह रहे हैं तो बता देता हूँ, वैसे आप लोगों को खुद से ये पढ़ लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में। किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी बताइए? इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। वैसे तो पहले भी आप लोगों ने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट, संविधान के भाग 5 में अध्याय 4 के तहत आप देखते हैं ना, उच्चतम न्यायालय यानी कि उसी की बात कर रहा हूँ, संविधान। उन 1773 में भी आप लोगों ने सुना होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट के साथ ही कलकत्ता में एक आपका सर्वोच्च न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी, इसे भी सुप्रीम कोर्ट का ही एक तरह से माना जाता था। फिर आपने देखा होगा कि एक भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 पारित हुआ था, इसमें आपने देखा होगा कलकत्ता मद्रास बम्बई में सर्वोच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। फिर आपने देखा होगा उच्च न्यायालयों को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना तक सभी मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय होने का गौरव प्राप्त हो गया था। फिर 1947 की आज़ादी के बाद आप देखेंगे 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है, और इसके साथ ही आप देखेंगे भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आ जाता है, और इसकी बैठक आप देखेंगे 28 जनवरी 1950 को पहली बार हुई थी, पहली बैठक। तो ये भी याद रखिएगा। आर्टिकल 124 से 147 तक आप देखते हैं ना, ये आपके सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं की बात करता है, तो इनके बारे में याद रखा करिएगा, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 53, क्या कह रहा है 53 क्वेश्चन, क्या क्या कह रहा है
कह रहा है कि भारत किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। राज्यों में आप देखते हैं ना कि विधानसभा होती है, और कई राज्यों में आपको विधानसभा के साथ विधान परिषद भी देखने को मिल जाएगी। तो इसमें कह रहा है, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है, और दूसरा कह रहा है जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। इन दोनों कथनों में से सही कथन आपको बताना है। क्या करना है? सही कथन बताना है। तो कैसे बताओगे? कुछ है आइडिया ऑफ इंडिया? तो इसमें आप देखेंगे 53 में दोनों कथन आपके बिल्कुल सही है। क्या है? त्रेपन में आपके दोनों कथन बिल्कुल सही है। अपने अपने विधानसभा, अपने अपने उसकी क्षेत्र की देख लीजिएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 176 है, ये कहता है कि राज्यपाल विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में, आप देखेंगे एक तरह से ये अपनी बात कहेगा, संबोधन करेगा राज्यपाल। और इसी तरह आप देखते हैं ना, केंद्र में आपको राष्ट्रपति के बारे में भी आप लोग सुनते रहते हैं। तो इसमें आप ला सी ऑप्शन लगाएंगे। संविधान का अनुच्छेद 208 विधानसभा की एक तरह से प्रक्रिया के नियम क्या रहेंगे उसके बारे में बात करता भी है। लेकिन आपको बता दूं कि देखिए, इसमें विवाद भी था, लेकिन आपने देखा होगा कि 2019 की जो अंतिम, जो आप देखिए कि UPSC आयोग ने जो आपकी आंसर शीट जारी की हुई थी, उसमें दोनों को माना था, ये दोनों सही है उसने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 54। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन इसमें कह रहा है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, जिसे आप लोग शॉर्ट में UNCAC कह देते हैं, का भूमि, समुद्र और वायु मार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध एक प्रोटोकॉल होता है। और दूसरा कह रहा है कि UNCAC अब तक का सबसे पहला विधिवत बाध्यकारी सार्वभौम भ्रष्टाचार निरोधी लिखित है। और तीसरा कह रहा है कि राष्ट्रपाल संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि UNTOC की एक विशिष्टता, ऐसी एक विशिष्ट अध्याय का समावेशन है जिसका लक्ष्य उन संपत्तियों को उनके वैध स्वामियों को लौटाना जिनसे वे अवैध तरीके से ली गई थी। और चार इसमें क्या कह रहा है? चार कह रहा है कि मादक द्रव और अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा UNCAC और UNTOC दोनों के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए अधिदेशित हैं। उपयुक्त कथनों में से आपको सही कथन चुनना है, यानी कि सीधा सा कहने का मतलब है कि आपको ये चार कथन पढ़ना है पहले, और उसके बाद आपको देखना है कि इसमें सही कथन आपका कौन सा है, आखिर सही कथन कौन सा है, बताइए। तो इसमें आप लोग जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि एक तो आप देखेंगे पहला कथन बिल्कुल गलत है, दूसरा कथन बिल्कुल सही है, तीसरा बिल्कुल कथन गलत है, और एक चार आपका कथन बिल्कुल सही है। क्या है? चार बिल्कुल सही है, और एक आप देखेंगे दूसरा बिल्कुल सही है, तीसरा और पहला गलत है, तीसरा यानी कि एक और तीन गलत है, और दो और चार सही है। ठीक है, आपको बता दूं कि देखिए, भूमि, समुद्र और वायु द्वारा प्रवासियों की तस्करी के खिलाफ एक प्रोटोकॉल है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तहत अपनाया गया था, और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठित अपराध होता ना, इसे रोकना, इसके खिलाफ लड़ना। ठीक है, और आप देखेंगे तो अगर तीसरा इसलिए गलत है
क्योंकि संपत्तियों को उनके वास्तविक स्वामियों को लौटाना, जिनसे उन्हें अवैध रूप से लिया गया, भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCC के तहत शामिल है। ठीक है, किसके? UNCAC के तहत शामिल है, ना कि UNTOC के। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर इन संगठनों के बारे में बात करें, सबसे पहले तो UN के बारे में, क्योंकि ये UN से जुड़ी हुई है, तो आप देखेंगे कि UN की स्थापना आप सभी को बता चुका हूँ कई बार, इसे आप लोग संयुक्त राष्ट्र भी कहते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क USA में देखने को मिल जाएगा। अगर वहीं हम लोग यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन की बात करें, जिसे आप लोग शॉर्ट में UNCAC भी कहते हैं, तो इसे अपनाया गया था 9 दिसंबर सन 2003 में और इसमें साइन किए गए थे, और सिग्नेचर करता देशों की अगर बात करें तो 140 मेंबर हैं, और ये इफेक्ट में यानी कि लागू हुआ था 14 दिसंबर सन 2005 में। साइन कब हुआ था? 9 दिसंबर 2003 को, और लागू कब हुआ? 14 दिसंबर 2005 को। ठीक है, और एक आपने देखा है, एक और आया हुआ है, एक है आपका यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिसे आप लोग शॉर्ट में UNTOC भी कहते हैं। तो ये आपको बता दूं कि ये साइन हुआ था 12 दिसंबर 2000 में, सन 2000 में, और इसमें सिग्नेचर करता हूँ की बात करें तो 147 देखने को मिलेंगे, और ये आपका लागू हुआ था 29 सितंबर 2003 को। साइन कब हुआ था? 12 दिसंबर 2000 को, सन 2000 को, और इफेक्ट में यानी कि लागू हुआ, ये अस्तित्व में कब आया? 29 सितंबर 2003 को, इस पर भी याद रखिएगा। और एक आप देख रहे होंगे कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, जिसे आप लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? UNODC। अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 को, और इसका हेडक्वार्टर आपको बेना ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो इसमें 2 और 4 यानी कि कौन सा ऑप्शन रहेगा सही? सी ऑप्शन, 2 और 4 कथन बिल्कुल सही है। देखिए अब संगठनों से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 55, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल ही में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति पारंपरिक वनवासी यानी कि वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौण वनोपज है। तीसरा कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी यानी कि वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 वन निवासियों को गौण वन उपज के स्वामित्व की अनुमति देता है। इन दोनों कथनों में, तीनों कथनों में से आपको सही कथन चुनना है। क्या करना है? सही कथन आपको देखना है। बताइए कैसे देखोगे? तो इसमें आप लोग देखेंगे तो आपको पता क्या चलेगा, एक तो आप देखेंगे इसमें कौन सा कथन सही रहेगा। इसमें आपका पहला कथन बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है। इसके बाद आप देखेंगे 2 और 3 आपका बिल्कुल सही है, 2 और 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि पहला आखिर गलत क्यों है। तो मूल अधिनियम में आप देखेंगे तो इसमें पेड़ की परिभाषा ताड़ बांस स्टम्प ब्रश लकड़ी और बैंस शामिल हैं, और संशोधन अधिनियम बांस शब्द को हटाने के लिए पेड़ की इस परिभाषा में संशोधन करता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे?
बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि 1955 का एक्ट था, एक आपने देखा होगा 1975-76 में एक एक्ट आया हुआ था, एक आपका 1993 में एक्ट आया हुआ था। इनसे आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते थे एमपी पीएससी में, लेकिन आपने देखा है कि एमपी पीएससी का भी सिलेबस बदल चुका है, तो अब आपसे उसके क्वेश्चंस कम ही पूछे जाएंगे। ये एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करते थे वहाँ। ये क्वेश्चंस आपके काम का भी है। देखिए अगला क्वेश्चन है 56, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। आज के समय में आप लोगों को काफ़ी ये टॉपिक समाचारों में दिखाई देता है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि आपके सामने क्वेश्चंस भी आ गया है, और ये 21वीं सदी आप देख रहे हैं कि इसी की सदी मानी जाती है। तो इसे आप लोग देखेंगे तो आप लोग क्या करेंगे। और आपने देखा होगा 2018-19 में भी ये काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इसमें आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 या फिर आर्टिकल 29, तो याद रखिए इसमें आर्टिकल 21 लगाओगे आप लोग, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने लगा भी दिया होगा। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है, जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार एक तरह से शामिल किया गया है। और आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के 2017 के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें केरल में एक विवाह इस तरह से रद्द कर दिया गया था जो मुस्लिम धर्म परिवर्तन करने वाली लड़की हादिया ओसेफिन का था, तो उसी लिए उस समय आप देखेंगे काफ़ी चर्चा में भी बना रहा, और उसी कारण ये आपका पेपर में भी आ गया था। तो इसमें आप लोग बी ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 57, क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है, और दूसरा कह रहा है भारत में कोई संपदा बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है, और तीसरा कह रहा है पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है। इन तीनों कथनों में से आपको सही कथन चुनना है। क्या करना है, सही कथन देखना है। कैसे देखोगे, तो इसमें आप देखेंगे इसमें पहला कथन आपका बिल्कुल गलत है। क्या है, गलत है। दूसरा भी आपका गलत है, लेकिन तीसरा आपका सही है। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कुछ समय पहले, और उसमें मोनसेंटो से संबंधित एक मामले में जीएम कपास के बीज पर पेटेंट का दावा कर सकता है, और इस फैसले ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश को पलट दिया था जिसमें कहा गया था कि अनुवांशिक रूप से संशोधित पौधे, अनुवांशिक रूप से संशोधित बीज और जीन अनुक्रम जो पौधों को अनुवांशिक लक्षण प्रदान करते हैं भारत में पेटेंट के योग्य का विषय नहीं है, और इसे पलट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो उसी, और ये फैसला आपने देखा होगा मोनसेंटो ग्रुप और ऑफ कंपनीज, और एक थी आपकी नूजी वीडू ग्रुप थी ऑफ कंपनीज, इन दोनों के बीच चल रहा था, ठीक है। तीसरा आपका बिल्कुल सही है, पेटेंट योग्यता से पौधों और जानवरों को पूरी तरह से उनके हिस्से जो, तो इसमें आपका दूसरा भी बिल्कुल गलत है। दूसरा कैसा है, बिल्कुल गलत है। एक आप लोगों एक्ट भी तो सुनते हैं, कौन सा एक्ट, 1999 का। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड का गठन 2003 में भारत सरकार द्वारा किया गया था, भारतीय ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 और माल के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत, ठीक है। इसलिए आपका दूसरा भी गलत होगा, लेकिन तीसरा आपका बिल्कुल सही है इसमें, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 58, क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है। पहला कथन कह रहा है कि यह पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता को और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दे, और दूसरा कह रहा है कि वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के
उत्सर्जन या फिर विसर्जन के मारक निर्धारित करें। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? इन दोनों कथनों में से आपको सही कथन देखना है। तो याद रखिए 58 में आप देखेंगे, 58 में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि दूसरा कथन केवल सही है, पहला कथन बिल्कुल गलत है। पहला कथन क्या है? बिल्कुल गलत है आपका। 1986 का आप लोगों ने एक्ट जरूर पढ़ा होगा, EPA 1986, ए में सार्वजनिक भागीदारी से संबंधित कोई प्रावधान आपको देखने को नहीं मिलेगा। अधिनियम की धारा 6 अधिकृत करती है केंद्र सरकार प्रदूषण नियंत्रण मापदंडों को नियंत्रित करती है, ठीक है? तो इसमें आप लोग बी ऑप्शन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 59, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भारत में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इन चार कथनों में से आप देखेंगे तीन तो गलत होंगे, एक आपका सही होगा, और जो सही होगा उसे ही आप लोगों को चुनना होगा। क्या करना होगा? चुनना होगा। तो इसमें पहला कथन एक क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अवशिष्ट उत्पादक को 5 कोटियों में अवशिष्ट अलग अलग करने होंगे। बी कह रहा है ये नियम केवल अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों और अधिसूचित नगरों तथा सभी औद्योगिक नगरों पर ही लागू होंगे। तीसरा कह रहा है इन नियमों में अवशिष्ट भराव स्थलों तथा अवशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और व्यवहारिक मानदंड उपबंधित हैं। और डी कह रहा है कि अवशिष्ट उत्पादक के लिए अज्ञापक होगा कि किसी एक जिले में उत्पादित अवशिष्ट किसी अन्य जिले में ना ले जाया जाए। तो बताइए इसमें आप लोग सी ऑप्शन लगाएंगे, क्या रहेगा? सी आपका बिल्कुल 59 में सही रहेगा आपका। क्या रहेगा? सी आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 60, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश केंद्रीय संशोधन नियम 2018 के अनुसार, पहला कथन है कि यदि नियत अवधि रोजगार के लिए नियमों को क्रियान्वित किया जाता है तो फार्म कंपनियों के लिए कामगारों की छटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि अस्थायी कामगारों के मामले में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा। और इन दोनों कथनों में से आपको सही कथन चुनना है। क्या करना है? सही कथन देखना होगा। तो याद रखिए इसमें क्या होगा, इसमें आपके दोनों कथन बिल्कुल सही होंगे। क्या रहेंगे? दोनों कथन बिल्कुल सही रहेंगे। कैसे रहेंगे दोनों कथन सही, कुछ और बताइए। पहला भी सही है और दूसरा भी इसके बारे में सही है। सरकार ने औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश केंद्रीय नियम 1946 में संशोधन किया गया था 2018 में, उसी की बात हुई थी, ठीक है? पहले इससे पहले आप देखेंगे 1946 में ये नियम आया हुआ था। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे, एक कथन भी सही रहेगा और दूसरा भी सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 61, क्या कह रहा है? सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन क्रियान्वित किया गया था? बताइए इसमें ये ऑप्शन क्या कह रहा है? ए ऑप्शन आपसे कह रहा है 61 में, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, बी कह रहा है अग्नि बैंक की योजना, और सी कह रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, और डी कह रहा है राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। तो इसमें आप देखेंगे अग्नि बैंक योजना होगा, लीड बैंक स्कीम होगा, ठीक है? तो अग्नि बैंक योजना के तहत ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के नियोजित और व्यवस्थित विकास के लिए 1989 में सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण पेश किया गया था, ठीक है? किसके अंतर्गत? अग्नि बैंक योजना के। इनके बारे में भी देख लीजिएगा, कहीं क्वेश्चंस पूछ ले,
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, तो इसे लॉन्च किया गया था, आपको मालूम है, 1978 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। लीड बैंक स्कीम की बात करें अगर हम लोग, तो ये आप देखेंगे कि 1969 में क्या इसे आप देखेंगे कि 1989 में अपनाया गया था अग्री बैंक योजना के तहत। और महात्मा गांधी जो आप देखते हैं ना, रोजगार गारंटी योजना, ये आपकी 2006 में लॉन्च की गई थी। उस समय आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे आपके मनमोहन सिंह, ठीक है। ये छोटी छोटी स्कीम रहती हैं, योजनाएं रहती हैं, इन्हें जरूर आप लोग कवर कर लिया करिएगा, तो इसमें आपका बी ऑप्शन ठीक रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 62, भारत में गौण खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक गौण खनिज है, और दूसरा कह रहा है गौण खनिजों के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है, किंतु गौण खनिजों को प्रदान करने से संबंधित नियमों को बनाने के बारे में शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास हैं, और तीसरा कह रहा है गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। इन तीनों कथनों में से आपको सही कथन चुनना है, क्या करना है, सही कथन देखना होगा। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे, तो इसमें आप देखेंगे पहला कथन बिल्कुल सही है, इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक गौण खनिज है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे दूसरा आपका कथन बिल्कुल गलत रहेगा, और तीसरा एक आपका बिल्कुल सही है। गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति आपके राज्य सरकारों के पास आपको देखने को मिलेगी, किनके, राज्य सरकारों के। इसमें एक नियम भी आप लोगों ने देखा होगा, अधिनियम खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम 1957, इसकी धारा 3E के तहत परिभाषित किया गया है खनिज को, ठीक है, रेत। और इसकी धारा एक और है, धारा 15 के तहत आप देखेंगे कि इसकी जो भी शक्तियाँ हैं उन्हें राज्य सरकारों को दी गई हैं। इसमें नियम भी सरकार ही बनाती है, और आपकी जो भी शक्ति नियम बनाने की शक्ति है वो राज्य सरकारों के पास ही रहती है, केंद्र सरकार के पास इस तरह का कोई, वहाँ इस तरह का हस्तक्षेप करने का कोई भी मामला नहीं रहेगा। तो इसमें आप लोग देखेंगे एक और तीन आपका बिल्कुल सही रहेगा, क्या रहेगा, एक और तीन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 63, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी सत्यों के रेडी होने के द्वारा है, और दूसरा कह रहा है भारत का सारा विदेशी ऋण US डॉलर के मूल्य में है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो आपको बता दूं कि ना तो इसमें एक कथन आप सही है और ना ही दूसरा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऋण की बात हो रही है, उधार की, आप जिस तरह से बैंक से या फिर साहूकारों से ऋण लेते हैं ना, इसी तरह से आपकी सरकार भी ऋण लेती रहती है। तो आपको बता दूं कि देखिए, वाणिज्य उधार भारत की बाह्य ऋण का सबसे बड़ा संघटक बना हुआ है, जिसके बाद आप देखेंगे अनिवासी भारतीय जमा और अल्पकालिक ऋण का नंबर आता है। और इसमें अगर उधार की बात करें तो अमेरिकी डॉलर मूल वर्ग का ऋण भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे भारतीय रुपया है, SDR है, एन है, यूरो है, इनका भी स्थान आता है, केवल डॉलर का ही स्थान नहीं आता है। तो इसलिए आपके देखेंगे दोनों कथन बिल्कुल गलत रहेंगे, यानी कि डी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने 64, क्या कह रहा है, भारत में किसी वाणिज्यिक बैंकों की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, क्या पूछ रहा है, क्या शामिल नहीं है, बताइए। इसमें ए ऑप्शन कह रहा है कि अग्रिम, और बी कह रहा है आपसे
बी कह रहा है जमा, सी कह रहा है निवेश और डी कह रहा है मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा यानी कि मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। तो इसमें आप देखें कि जमा होगा, क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। जमा अपने आप में जमाकर्ता के लिए बैंक के द्वारा देता होती है, यानी कि आप देखिए कि आप बैंक के पास पैसे जमा करने जा रहे हैं तो बैंक पर तो एक तरह से भार बढ़ गया कि आपका उसे देना होगा, ठीक है, उसे उस आप आपका उस पर कर्ज हो गया एक तरह से, तो उसी की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें आपका जमा नहीं होगा, बाकी होंगे, ठीक है, लेकिन नहीं पूछा था इसलिए आप लोग बी लगाओगे। क्वेश्चन है हमारे सामने 65, क्या कह रहा है, भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन किन कारकों का योगदान है। एक कह रहा है कि भारत में आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का, दूसरा कह रहा है सरकारी व्यय के बढ़ने का, और तीसरा कह रहा है विदेशस्थ भारतीयों का द्वारा भेजे गए धन का, नीचे दी गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। इसका क्या करना है, सही उत्तर चुनना है 65 में। तो इसमें आप देखेंगे एक तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है और एक आप देखेंगे तीसरा, दूसरा आपका बिल्कुल गलत देखने को मिलेगा। दूसरा क्या देखने को मिलेगा, बिल्कुल गलत देखने को मिलेगा। अब गलत क्यों है ये भी देख लीजिए। सरकारी खर्च बढ़ने से मुद्रा के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा, इसलिए दूसरा गलत रहेगा, लेकिन इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 1 और 3 क्वेश्चन है हमारे सामने 66, निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या फिर उसके हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। लेकिन आजकल आप देखते हैं कि जो जिनकी सरकारें रहती हैं उनके ही एक तरह से नेता राज्यपाल बनाए जाते हैं। अभी वर्तमान में आप देख लीजिएगा कई राज्यों में आपको देखने को मिल जाएगा कि जो बीजेपी के पुराने नेता हैं उन्हीं को एक तरह से आप देखिए कि राज्य का राज्यपाल बना दिया जाता है। और आप देखेंगे कि ऐसा कांग्रेस के समय में भी होता आया हुआ है, तो आप देखेंगे पक्षपात भी रहेगा। और इसी का उदाहरण आप लोग पश्चिम बंगाल देख भी रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो इस समय मुख्यमंत्री हैं और वहाँ की राज्यपाल के बीच हमेशा तनाव बना रहता है। तो इससे अगर इस हिसाब से चलते तो ये तनाव ना देखने को मिलता, भेदभाव ना देखने को मिलता। तो ये ऑप्शन कह रहा है पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, दूसरा कह रहा है राजमन्नार समिति 1969, सी कह रहा है सरकारिया आयोग 1983 और डी कह रहा है संविधान के कार्य संचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग 2000। तो इसमें आपको बताना है, क्या बताओगे। तो इसमें आप देखेंगे जो सरकारी आयोग था उसने ये सिफारिश की हुई थी, क्या सरकारी आयोग ने सिफारिश की हुई थी, लेकिन उसकी सिफारिश को माना कहाँ गया। तो इसमें आपका क्या रहेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल रहेगा, सरकारी आयोग आया हुआ था 1983 में, उसने ये सिफारिश की हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्या है, 67, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है। इसमें ये ऑप्शन कह रहा है जमा प्रमाण पत्र, बी कह रहा है वाणिज्यिक पत्र और सी कह रहा है वचन पत्र और डी कह रहा है सहभागिता पत्र। तो इसमें आप लोग क्या देखेंगे, इसमें आप देखेंगे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, सहभागिता पत्र, इसे आप पार्टी सेक्रेटरी नोट भी कहते हैं, ठीक है, तो इसी को शामिल किया जाता है, पी नोट्स या फिर आप लोगों ने पार्टी सेक्रेटरी नोट्स भी कहते हैं। तो इसमें आपका डी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, इसमें पहला कथन क्या कह रहा है, विधि के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तर पर होते हैं और दूसरा कह रहा है प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2006 के अधीन चलाए गए प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रमों में लोगों की सहभागिता
अनिवार्य यानी कि मैंडेटरी है। और दोनों कथनों में सही कथन आपको देखना है कि सही कथन आखिर इसमें कौन सा है। बताइए कुछ 68 में क्या लगाओगे? 68 में आप देखेंगे पहला कथन बिल्कुल सही है लेकिन दूसरा बिल्कुल गलत है, यानी कि आप देखेंगे ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अब क्यों रहेगा ये भी बात है। तो प्रीतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 के तहत भारत के लोक लेखा के तहत आप देखेंगे राष्ट्रीय प्रीतिपूरक वनीकरण कोष प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक खाते के तहत एक राज्य प्रीतिपूरक वन रोपण कोष की स्थापना करता है और इन निधियों का प्रबंधन राष्ट्रीय और राज्य प्रीतिपूरक वन रोपण कोष द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रबंधन और योजना प्राधिकरण अधिनियम के तहत भी स्थापित होते हैं। हालांकि अधिनियम के तहत आप देखेंगे कार्यक्रमों को चलाने में अनिवार्य लोगों की भागीदारी के अधिनियम में कोई उल्लेख नहीं देखने को आपको मिलेगा। केवल पहला ही कथन आप देखेंगे इसमें सही है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 69, क्या कह रहा है? भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते हैं या करती है? पहला कथन कह रहा है संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां, दूसरा कह रहा है संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां, और तीसरा कह रहा है वित्त आयोग, और चार कह रहा है वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग, और पांच कह रहा है नीति आयोग। इनमें से आपको सही उत्तर चुनना है, सही ही तो चुनना है, और क्या चुन पाओगे बताइए कुछ? इसमें भी कौन सा कथन लगाओगे? कौन कौन से सही आपको लग रहे हैं? किसमें उन? तो इसमें आप देखेंगे एक तो आपका पहला कथन बिल्कुल सही है, एक आप देखेंगे दूसरा सही है, लेकिन तीसरा और चौथा और पांचवा बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है। भारत में 24 विभाग संबंधी स्थायी समितियां हैं जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, और ये समितियां मंत्रालय विशिष्ट हैं, और जो अपने देखते हैं कि उदाहरण के लिए अगस्त 2012 में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के कामकाज पर एक रिपोर्ट भी पेश की हुई थी। समझ रहे हैं? 2011 में भी आप देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति ने जांच भी की हुई थी और ट्राई के कामकाजों को सूचीबद्ध भी किया हुआ था। संसद की तदर्थ समितियां भी स्थापित कर सकती हैं जो नियामक के कामकाज की जांच भी कर सकती हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन पर संयुक्त संसदीय समिति जिसे आप लोग JPC कहते हैं समीक्षा भी कर सकती है। वो भी और जो आप देखते हैं ना क्या तदर्थ समितियां भी देखते हैं, ए शेयर बाजार हो घोटाले या JPC द्वारा सेबी और RBI के कामकाज की भी जांच कर सकती है। लेकिन यहाँ आपने वित्त आयोग देखा हुआ है और एक आपका नीति आयोग, इसके बारे में कुछ पॉइंट बताना है मुझे। क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपके कई बार पूछ लेता है। और नीति आयोग तो वैसे आप लोगों को याद भी होगा, नीति आयोग तो वही है जो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया हुआ था। कब? 1 जनवरी 2015 को, उसी की बात कर रहा हूँ। और वित्त आयोग की बात करें तो इस वित्त आयोग के बारे में भी आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? चुनाव आयोग हो, वित्त आयोग हो, ऐसे इस तरह के जो भी संगठन हैं इन्हें अच्छे से पढ़ लिया करिएगा क्योंकि इनसे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए वित्त आयोग का तो एक तरह से आप देखेंगे यही काम रहता है कि पैसे का लेन देन बंटवारा करना, एक तरह से इन दोनों में लड़ाई ना हो। नीति आयोग आप देखेंगे 1 जनवरी 2015 में आया और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं ना वो हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं जो जिस समय प्रधानमंत्री रहा है, और ये अभी आप देखेंगे BJP के समय में ही आया हुआ है। समझ रहे हैं?
तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब आती है बात वित्त आयोग की। तो वित्त आयोग तो आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना पहली बार 22 नवंबर 1951 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। कब? न्यू दिल्ली में। नई दिल्ली जानते हो, उसी की बात कर रहा हूँ। और 15वें आप लोगों को बताना है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। आर्टिकल 280 आप देखेंगे, अनुच्छेद 280 के तहत इसके इसे संवैधानिक दर्जा भी मिला हुआ है। तो संविधान की एक संवैधानिक संस्था है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? ए ऑप्शन आपका ठीक रहेगा, एक और दो कथन बिल्कुल सही था ना 69 में, ए ऑप्शन आपका ठीक था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 70। क्या कह रहा है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और याद रखिए अभी आपकी पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो चुकी हैं, जब से योजना आयोग का काम खत्म हुआ है तब से ये पंचवर्षीय योजनाएं भी बंद कर दी गई। अब तो इसमें पहला कथन कह रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों की प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया है। और दूसरा कह रहा है चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते साकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया है। और इसमें तीसरा कह रहा है पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। क्या करना है, सही उत्तर ही चुनोगे और क्या कर सकते हो। तो इसमें आप देखेंगे, क्या देखेंगे, तो इसमें एक तो आप देख रहे होंगे कि पहला, अगर आपने पढ़ा होगा तो पहला कथन बिल्कुल सही है, एक आप दूसरा कथन सही है, लेकिन तीसरा आपका गलत है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आप देखेंगे इसका उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर खासकर देखा गया था, ठीक है। और जिसमें समाज में आप देखेंगे समाजवादी पैटर्न की स्थापना करना था। और चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो सामाजिक समानता और न्याय प्राप्त करने के लिए आय धन और आर्थिक शक्ति की एकाग्रता को कम करने पर जोर दिया गया था, ठीक है। और पांचवी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य की बात करें तो इसे गरीबी को दूर करना, आत्मनिर्भरता की उपलब्धि, इस पर आप देखेंगे एक तरह से जोर दिया गया था, ठीक है। अगर वित्तीय क्षेत्र की हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि जो आठवीं योजना थी ना आपकी, इसका एक तरह से उद्देश्य था वित्तीय क्षेत्र के सुधारों पर केंद्रित थी ये, ठीक है, आठवीं। तो इसमें आप देखेंगे एक और दो कथन बिल्कुल सही है, यानी कि आपका कौन सा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 71। 71 क्वेश्चन का कहना है कि एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक, जिसे आप लोग एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं। AIIB में भारत का सबसे बड़ा शेयरधारक है भारत, और AIIB में एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है बताइए। तो आप देखेंगे इसमें केवल एक कथन सही है, बाकी दो और तीन बिल्कुल गलत हैं। अब आप कहेंगे क्यों गलत हैं, ये भी बता दीजिएगा। तो ये भी बता देता हूँ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की अगर बात करें तो इसमें अभी आप देखेंगे वर्तमान में 103 मेंबर्स देखने को मिलेंगे। इसका हेडक्वार्टर आपको बीजिंग चाइना में देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना हुई थी 16 जनवरी 2016 को, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या कि इसमें उस समय की, देखिए उस समय आप देखेंगे 80 ही सदस्य थे, लेकिन इसके अब बढ़ चुके हैं, तो इसमें दोहराई नहीं होनी चाहिए।
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कतर, कनाडा, साइप्रस, ये सभी गैर क्षेत्रीय सदस्य हैं। तो इसलिए आप देखेंगे तीसरा सदस्य आपका, इसलिए तीसरा गलत, तीसरा कथन इसलिए गलत हो गया। और आपको बता दूं कि भारत इसका दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है, ना कि पहला, इसलिए पहला भी आपका देख रहे हैं आप लोग, दूसरा भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसमें पहला केवल सही था। उस समय आप देखिए 80 सदस्य थे इसके। क्वेश्चन है हमारे सामने 72, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 72, क्या कह रहा है आपसे? इनका कहना है हमसे कि हाल ही में भारतीय बैंक और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर ऋणदाता करार पर हस्ताक्षर करने का उद्देश्य क्या था? ए ऑप्शन कह रहा भारत सरकार के राजकोषीय घाटे और चालू लेखा घाटे के बाद वर्षानुवर्ष बढ़ने वाले भार को कम करना। बी कह रहा है केंद्रीय और राज्य सरकारों की आधारित संरचना परियोजनाओं को संबल प्रदान करना। और सी कह रहा है 50 करोड़ या अधिक ऋणों के आवेदन के मामले में स्वतंत्र नियामक के रूप में काम करना। और डी कह रहा है 50 करोड़ या फिर अधिक की दबाव युक्त परिसंपत्तियों का या जो सहसंग उधारी के अंतर्गत हैं अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य रखना। तो इसमें क्या रहेगा बताइए कुछ? तो इसमें आप देखेंगे आपका डी बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? डी बिल्कुल सही रहेगा, जो 50 करोड़ या उससे अधिक के आकार वाले ऋण है ना, उनका समाधान करना एक तरह से इसका काम है। ठीक है, तो इसमें आप लोग डी ऑप्शन लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 73। सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? ए ऑप्शन क्या कह रहा है इसमें? ए कह रहा है बैंक ऑफ ब्यूरो, बी कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक, सी कह रहा है केंद्रीय वित्त मंत्रालय और डी कह रहा है संबंधित बैंक का प्रबंधन। तो आप सभी को मालूम होगा इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बैंक ऑफ, बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है। कौन करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो। अगर बैंक ऑफ ब्यूरो की अगर बात करें तो इसकी स्थापना आप देखेंगे 28 फरवरी 2016 में हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत। इसके पेरेंट एक तरह से डिपार्टमेंट है इसका। ठीक है, और आरबीआई की बात क्या करनी है? आरबीआई के बारे में तो कई बार बात कर चुके हैं, आप कहो तो फिर से बता देते हैं। 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी, अभी हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, समझ रहे हैं? हमारा केंद्रीय बैंक है और कुछ कितने में आप खुश। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 74, ए है 74। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है। एक कह रहा है, दूसरा कथन कह रहा है कि पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना है। और तीसरा कह रहा है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाती है। इन तीनों कथनों में से आपको सही कथन चुनना है। क्या करना है? सही कथन देखना है कि सही कथन कौन सा है। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपको पहला कथन बिल्कुल गलत है, दूसरा आपका सही है और तीसरा बिल्कुल सही है आपका, 2 और 3 बिल्कुल सही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का गठन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम 2006 के तहत किया गया था। और नियामक आप देखेंगे ट्राई तो भारत का पहला स्वतंत्र नियामक भी है, तो इसमें आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसमें आपका क्या रहेगा बताइए? 2 और 3 सही रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही लगाओगे। अगला क्वेश्चन है 75। संचार, ये तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए मुझे लगता है। संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और बोल्ट
वर्ल्ड वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के बीच क्या अंतर है? इन दोनों के बीच अंतर आपको बताना है। तो मुझे लगता है कि आप मोबाइल चला रहे हैं तो आपको अंतर मालूम भी होना चाहिए। पहला कथन कह रहा है कि LTE को साधारणतः 3G के रूप में विपणित किया जाता है तथा बोल्ट को साधारणतः उन्नत 3G के रूप में विपणित किया जाता है। और दूसरा कह रहा है LTE डेटा ओनली तकनीक है और बोल्ट वॉइस ओनली तकनीक है। इन दोनों में से सही आपको चुनना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुन लीजिए। 75 में क्या लगाओगे? तो 75 में आपको बता दूं, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। आपने मोबाइल अच्छे से चलाया होगा तो आपको मालूम भी होगा दोनों कथन गलत हैं। पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। LTE ने आप देखेंगे 3G के WCDMA की रेडियो तकनीक में सुधार किया हो वो एफ डीएम यानी कि आर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिविजनल मल्टीप्लेक्सिंग की शुरुआत की है। ठीक है, ITU सुना है, द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने 4G शब्द में स्पष्टता की कमी को स्वीकार किया है और LTE एडवांस और वायरलेस मैन एडवांस या फिर आप देखेंगे WiMAX 2 को ट्रू 4G के रूप में निर्धारित किया है इन्होंने। और बोल्ट मोबाइल फोन नेटवर्क द्वारा उपयोग किए जाने वाले LTE प्रोटोकॉल का एक तकनीक अपग्रेड है। LTE के तहत आप देखेंगे दूर संचार कंपनियों का बुनियादी ढांचा केवल डाटा के प्रसारण की अनुमति देता है जबकि वॉइस कॉल उनके पुराने 2G या फिर 3G नेटवर्क पर रूट की जाती है। ठीक है, मूल रूप से बोल्ट सिस्टम आवाज़ को डेटा स्ट्रीम में गुप्त कर देता है जिसके बाद आप देखेंगे डेटा कनेक्शन का उपयोग करके प्रसारित किया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे दोनों कथन आपके सही है। क्या दोनों सही कहाँ से हो गए? गलत है। ठीक, दोनों कथन आपकी बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्या 76 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है? मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है गर्भवती महिलाएं प्रसवपूर्व 3 महीने और पूर्व प्रसवोत्तर 3 महीने के लिए संवेतन अवकाश की हकदार हैं। और दूसरा कह रहा है शिशु ग्रहों वाले प्रतिष्ठानों के लिए माता को प्रतिदिन कम से कम 6 बार शिशु ग्रह जाने की अनुमति देना अनिवार्य होगा। और तीसरा कह रहा है 2 बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनिकेट हक मिलेगा। आप देखिए एक तरह से जो महिलाएं होते हैं वो नौकरी करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो आप देखिए कि जब बच्चे ने जन्म लिया है आप देखिए या आप देखिए गर्भवती हैं तो उस समय उन्हें कुछ सुविधाएं तो मिलनी चाहिए, उनकी नौकरी आप देखिए कि एक तरह से रहनी तो चाहिए, वरना उसमें आप देखिए उन्होंने यही डर बना रहेगा कि अगर कहीं गर्भवती हुई उसके बाद या फिर बच्चा हुआ तो उसके बीच निकाल ना दिया जाए उन्हें नौकरी से। तो उसी के संबंध में ये लाया गया था। इससे पहले आप देखेंगे 1961 का एक बिल था, ठीक है, उसमें संशोधन किया गया था 2017 में और उसी के तहत आपने देखा होगा ये। तो इसमें आप देखेंगे क्या सही होगा? तो इसमें आप देखेंगे पहला कथन बिल्कुल गलत है, इसमें दूसरा कथन भी आप देखेंगे बिल्कुल गलत होगा। क्या होगा? और तीसरा आपका बिल्कुल सही है, 2 बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनिकृत हक मिलेंगे। 1 और 2 क्यों गलत है? अब सबसे बड़ी बात यही आती है। तो नए प्रावधान के तहत आप देखेंगे महिलाएं दिन में 4 बार शिशु गृह में जाने की हकदार हैं। कितने बार? 4 बार, ना कि 6 बार। इसलिए आप देख रहे हैं कि दूसरा कथन गलत है। और आप देखेंगे 26 सप्ताह का मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है इसके तहत। कितना? 26 सप्ताह का। और 26 सप्ताह में सप्ताह में प्रसव से पहले 8 सप्ताह तक का दावा किया जा सकता है। हालांकि प्रसव के बाद आप देखेंगे कोई भी पूरे 26 सप्ताह की छुट्टी ले सकता है। यदि महिला के 2 से अधिक बच्चे जीवित बच्चे हैं तो उन्हें मातृत्व का लाभ केवल 12 सप्ताह के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग केवल तीसरा ही सही था, यानी कि तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन आप लोग सही लगाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 77 क्या कह रहा है? इनका कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के
कारोबार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है। तो एक बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये कौन जारी करता है, विश्व बैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक। और याद रखिए वर्ल्ड बैंक वही है जिसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी यूएसए में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात आती है कि इनमें से कौन शामिल है इसका उप सूचकांक नहीं है। तो ए कह रहा है कानून और व्यवस्था बनाए रखना, बी कह रहा है करों का भुगतान करना, सी कह रहा है संपत्ति का पंजीकरण कराना, डी कह रहा है निर्माण परमिट संबंधी कार्य करना। तो बताइए इसमें क्या करोगे। तो इसमें आप देखेंगे नहीं है पूछा है, तो इसमें आप लोग ए ऑप्शन लगा दोगे, ए नहीं है आपका, बाकी सभी हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के सब इंडेक्स में आप देखेंगे एक व्यवसाय शुरू करना, एक स्थान प्राप्त करना, श्रम बाजार विनिमय निर्माण परमिट, बिजली प्राप्त करना, संपत्ति का पंजीकरण करना, वित्त तक पहुंच होना, क्रेडिट प्राप्त करना, अल्पसंख्यक निवेश की रक्षा करना, दिन प्रतिदिन के संचालन से निपटना, करों का भुगतान, अनुबंध लागू करना, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन कानून और व्यवस्था बनाए रखना इसका नहीं होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 78, भारत में निम्नलिखित में से किसने एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पाद दायित्व आरंभ किया है। ए कह रहा है जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 1998, बी कह रहा है पुनर्चक्रित प्लास्टिक निर्माण और उपयोग नियम 1999, सी कह रहा है ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011, और डी कह रहा है खाद्य सुरक्षा मानक विनियम 2011। बताइए तो इसमें से क्या रहेगा आपका, कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा 78 में। 78 में देखेंगे आप लोग, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011। ई कचरा सुने हैं आप लोग, इसका विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी EPR की अवधारणा को पेश करने विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादों पर ई अपशिष्ट प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारी रखता है। और आपको बता दूं ई कचरा क्या होता है, यही तो होता है इलेक्ट्रॉनिक वाला, ठीक है। और 1 मई 2012 से प्रभावी भी हुआ है। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे बताइए, बता तो दिया, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्या, 79, क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है कि भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस यदि कुछ हैं के साथ साथ और क्या शामिल हैं। और आप देख रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसानों का आंदोलन भी चल रहा है काफ़ी लंबे समय से, और मुझे मैंने भी देखिए पहले भी बोला है कि मैं इनके सपोर्ट में हूँ। यहाँ तो देखिए आपकी, देखिए आपके किसानों की एक फसल हो रही है उसकी कम से कम एक न्यूनतम प्राइस तो होना चाहिए, वरना आप देख रहे हैं कि जो गांव के सेठ लोग होते हैं, आड़तिया होते हैं, जो इस तरह के होते हैं, बिचौलिए कहते हैं आप लोग, ये आप क्या कहते हैं कि आप देखते होंगे कि ये मन मार्जी खरीद लेते हैं। आप देखिए सरकारी रेट अगर 2000 का है तो ये 1500 रुपये में खरीद लेते हैं, तो इस पर रोक लगनी चाहिए। और आप देख रहे हैं कि हमारे देश के किसानों की इतनी बुरी हालत है, आए दिन सुनते रहते हैं कि सुसाइड, इन्होंने आत्महत्या कर ली है। तो एक उनकी कम से कम फसल की फिक्स रेट तो रहेंगे, ठीक है, तो ये होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि सभी सामानों की अधिकतम प्राइस मिल रहा है, तो उनका तो कम से कम मैं कहता हूँ न्यूनतम तो मिलना चाहिए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पहला ए ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे, केवल परिवहन लागत, बी कह रहा है केवल ब्याज लागत, सी कह रहा है प्रापण प्रासंगिक प्रभाव वितरण लागत, और डी कह रहा है प्रापण प्रासंगिक प्रभाव गोदामों के प्रभाव। तो इसमें आप देखेंगे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसमें आपका। यहां अगर बात की जाए किसकी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की, क्योंकि आजकल ये बिल्कुल कुछ ज्यादा ही चर्चा में बना हुआ है। कौन, न्यूनतम समर्थन मूल्य,
आप देखते हैं कि हर साल आप देखते होंगे सीजन पर फसल का कृषि लागत एवं मूल्य आयोग होता है ना, वही निर्धारित करता है ऐसे। और एक तरह से आप देखिए कि फसल बोने से पहले इसका निर्धारण हो जाता है। तो आप देखिए कि अगर आपकी फसल अधिक होती है तो भी आपको वही रेट मिलेगा एक तरह से, जो पहले निर्धारित कर दिया गया होगा। वरना आप देखते हैं कि फसल अगर किसी की अधिक हो जाती है तो बाजार में उसके रेट कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कम से कम इन्हें एक गारंटी तो मिल जाती है न्यूनतम समर्थन मूल्य की। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसमें सी ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 80। किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाएगा। ए कह रहा है जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात, बी कह रहा है इसके भवनों और अन्य आधारिक संरचना और मशीनों का स्टॉक, और सी कह रहा है कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का माप, और डी कह रहा है समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। तो 80 में क्या लगाओगे बताइए। तो इसमें आप देखेंगे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। डी ऑप्शन क्या कह रहा है? डी ऑप्शन कह रहा है समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। सामाजिक पूंजी व्यक्तियों के बीच संबंधों को संदर्भित करती है एक तरह से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 81। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन कह रहा है किसी भी केंद्रीय विधि को संविधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। दूसरा कह रहा है भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो आपको बता दूं इसमें कौन कहता है कि नहीं उठाया जा सकता है। इसमें आप देखेंगे ना तो आपका एक सही होगा ना ही आपका दूसरा कथन सही होगा, यानी कि दोनों कथन आप देखेंगे गलत होंगे। दोनों कथन क्या होंगे? गलत होंगे। 81 में आप कहोगे कि सही क्या होगा? तो 42वां संविधान संशोधन आप लोगों ने सुना है, ये हुआ था 1976 में, और आप देखेंगे इंदिरा गांधी किसके, इंदिरा गांधी के समय हुआ था। और इंदिरा गांधी ने आप देखिए कि अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए थे। लेकिन आप देखिए फिर भी हमारे देश में आपने देखा JP आंदोलन हुआ, सरकारें बदली और हमारे संविधान को बचाने का पूरा प्रयास हुआ। तो आपको बता दूं कि जब सरकारें पूर्ण बहुमत की आ जाती हैं तो वो, और विपक्ष ना हो, विपक्ष कमजोर हो जाए, तो आप देखें तानाशाह हो भी जाती हैं सरकारें। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, और आपको बता दूं कि इसे आप लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं, क्योंकि आप देखेंगे संविधान में बड़ी संख्या में आर्टिकलों में एक तरह से संशोधन किया गया, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम कर दिया था कि उच्च न्यायालय एक तरह से इस पर इसकी समीक्षा ही ना कर सके, और उच्च न्यायालयों को किसी भी कानून की संविधानिक वैधता पर विचार करने से रोक दिया गया था 42वें संविधान संशोधन। हालांकि आप देखेंगे 1977 के 43वें संविधान संशोधन ने मूल स्थिति को बहाल कर दिया था, जो 42वें संविधान संशोधन में कम की गई थी शक्ति उन्हें दोबारा बना दिया गया था, ठीक है, उतना ही मजबूत एक तरह से। उच्च न्यायालय किसी के पास किसी भी केंद्रीय कानून को आमान करने की शक्ति है जो संविधान के लोकाचार के खिलाफ हो, यानी कि कहिए कि कोई नियम बनाया है, कोई कानून बनाया हुआ है, कोई अधिनियम आया हुआ है, और आप जानते हैं कि अधिनियम आपकी सरकार बनाती है, और अगर वो आप देखिए कि संविधान के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि आप देखिए न्यायालयों के पास ये शक्ति है कि उसे अमान्य कर सकती है, उसकी शक्ति को जीरो कर सकती है अगर वो संविधान के खिलाफ है तो, ठीक है। क्योंकि आप देखिए कि ये सरकारें लोगों से बड़ी नहीं हो सकते हैं, लोगों के अधिकारों से बड़ी नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए। और सुप्रीम कोर्ट का यह भी यही हाल है, यदि कोई संविधानिक संशोधन संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास इस प्रश्न को बुलाने की शक्ति है। और 2015 में आपने देखा होगा सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2004 दोनों की घोषणा की थी और असंवैधानिक को शून्य रूम दे दिया था इसे, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। पहले क्या हुआ था कि एक आपने 9वीं अनुसूची सुनी होगी, तो उसमें क्या रहा है कि उसमें अगर कोई विषय डाल दिया जाता था तो न्यायिक क्षेत्र से बाहर हो जाता था, समझ रहे हैं। तमिलनाडु को आप लोगों ने देखा होगा वो क्या, इसमें डी लगाओगे 81 में, ठीक है। आरक्षण का मुद्दा डाला गया था।
अगला क्वेश्चन है 82। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है क्रय शक्ति समता विनिमय दरों की गणना गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं की मूल्यों की तुलना पर की जाती है। दूसरा कह रहा है पीपीपी मॉडल के संदर्भ में भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इन दोनों कथनों में से आपको सही कथन चुनना है। इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है और आप लोग मुझे लगता है कि इकोनॉमी तो पढ़े होंगे कि नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें आप देखेंगे इसमें 82 में पहला कथन इसमें आपका बिल्कुल सही है लेकिन दूसरा आपका बिल्कुल गलत है। पहला कथन सही है दूसरा गलत है। तो याद रखिएगा अगर हम लोग पीपीपी के आधार पर बात करें तो आप देखेंगे भारत तीसरी है ना कि छठी। और आप देखेंगे पहले पर इसमें चीन आपको देखने को मिलेगा और दूसरे नंबर पर आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत का नंबर तीसरे नंबर पर आता है। इसमें आपका बी ऑप्शन ठीक रहेगा। ठीक है अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 83। क्या कह रहा है भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। खरीफ की फसलें आप लोग पढ़े हैं। पहला कह रहा है धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है। दूसरा कह रहा है ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है। और तीसरा कह रहा है कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। और चार कह रहा है गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है। उपयुक्त कथनों में से सही कथन आपको चुनना है। इन चार कथनों में से आपको सही कथन बताना है इसमें। तो किसमें 83 में की बात कर रहा हूं। तो इसमें आप देखेंगे एक तो आपका पहला कथन बिल्कुल सही है और एक आप देखेंगे तीसरा कथन बिल्कुल सही है। 2 और 4 बिल्कुल गलत है। 2 और 4 कैसा है बिल्कुल गलत है। गन्ने के क्षेत्र में आप देखेंगे लगातार वृद्धि नहीं हुई है। उसमें उतार चढ़ाव हमेशा देखा जाता है। तो इसमें आप लोग 1 और 3 लगाएंगे। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। 83। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84। क्या कह रहा है भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है। मूल्य के आधार पर आप समझ रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे क्या पूछ रहा है मसाले ताजे फल दलहन वनस्पति तेल बताइए किसका आयात सबसे ज्यादा किया हुआ है हम लोगों ने। तो इसमें आप सभी जानते हैं वनस्पति तेलों का किया हुआ है। हम लोग तेल सबसे ज्यादा खरीदते हैं। वनस्पति तेलों का आयात पिछले 5 वर्षों में उस समय सबसे ज्यादा किया हुआ था। ठीक है इसमें आप लोग डी लगाएंगे। ठीक है क्वेश्चन हमारे सामने 85। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे। किसके स्वीकार करेंगे और इसमें आप देख रहा है पहला ऑप्शन कह रहा है राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण। बी कह रहा है नियंत्रण का अभाव। सी कह रहा है इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर। डी कह रहा है स्वयं को पूर्णता विकसित करने का अवसर। तो 85 में आप देखेंगे कि इसमें डी ऑप्शन लगाएंगे स्वयं को पूर्णता विकसित करने का अवसर होगा। इसमें क्या होगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। डी ऑप्शन कैसा रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। आप लोग स्वतंत्रता को पढ़े होंगे दो दृष्टिकोणों में आजादी को एक तो नकारात्मक एक आप सकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रताओं में बाधाओं या फिर बाधाओं का अभाव रहता है।
ठीक है, और उसमें आप देखते होंगे, देखिए जो आप देखते हैं ना कि आपका संविधान का भाग तीन, क्या संविधान का भाग तीन, इसे बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपकी प्रीलिम्स में आते रहते हैं। मुख्य परीक्षा में जब आंसर लिखोगे तब भी आपके लिए उपयोगी साबित होंगे, निबंध लिखोगे तब भी आपके लिए उपयोगी साबित होंगे, और हो सकता है कि इंटरव्यू से भी आपसे क्वेश्चंस पूछ ले इस तरह के, क्योंकि आज की दो देश की परिस्थिति बनी हुई है उसमें आप देखिए मौलिक अधिकार जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिए आज आप लोग मौलिक अधिकारों आंदोलन करिए कुछ, आपको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं ना कि संविधान खत्म होता जा रहा है, आज़ादी खत्म होती जा रही है, तो इसमें आपका डी होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 86, क्या क्या कह रहा है 86 क्वेश्चन नंबर। भारतीय रुपये की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है, पूछ रहा है। तो तीन तो होंगे और एक नहीं होगा, और वही आप लोगों को चुन लेना है, जो नहीं होगा उसे ही आप लोग क्या करोगे, चुन लोगे, किसमें, 86 नंबर में। तो इसमें पहला कह रहा है कि गैस जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन भी कह रहा है, भारतीय उधारकर्ताओं को रुपये मूल वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना। सी कह रहा है विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दिशाओं को आधार बनाना, आसान बनाना। और डी कह रहा है एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। मुझे लगता है कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही भी है आपका, क्या है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही भी रहेगा। और समझ रहे हैं, जो गैर जरूरी वस्तुओं के आयात आप लोग अगर इन्हें नियंत्रण करेंगे और निर्यात को प्रोत्साहित करेंगे तो आपका क्या होगा कि आयात तो नियंत्रित हो जाएगा, लेकिन आप देखेंगे रुपए का इस तरह से ह्रास आपको देखने को मिलेगा। और भारतीय उधारकर्ताओं को रुपये मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहन, तो इस स्थिति में क्या होगा, रुपये की गिरावट को रोकने के लिए मसाला बॉन्ड लाए गए थे, क्योंकि उधार रुपये के प्रभुत्व में उधार लेने वाले डॉलर के माध्यम से हमारी मुद्रा पर दबाव नहीं डालता है। और सी की ऑप्शन क्या है, विदेशी वाणिज्य उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना। तो इससे क्या होगा, आसान बनाने से विदेशी में अधिक उधारी होगी और अस्थायी रूप से भारत में विदेशी मुद्रा के घाटे को पटाने से रुपये की गिरावट को रोका जा सकेगा फिर। तो इसमें आप लोग सही होगा आपका, क्या डी ऑप्शन रही नहीं रहेगा आपका इसमें। इससे तो क्या होगा, इससे तो उल्टा आप लोग देखेंगे, उच्च सरकारी खर्च के माध्यम से उच्च आयात को बढ़ावा मिल सकता है, तो रुपये में और गिरावट देख सकते हैं आप लोग डी के ऑप्शन से। चलिए 87 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के हाल के निवेश, जिसे प्रचलित रूप से डेटा डिक्टेट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को समादेशित करता है कि, पहला कथन कह रहा है कि ये भी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाएं। दूसरा कह रहा है वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही करें। और तीसरा कह रहा है वे कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को समेकित प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इनमें से आपको सही कथन चुनना है, क्या नीचे कह रहा है आपसे, सही कथन इन तीनों में से आपको देखना है कि कौन से सही कथन हैं। तो किस तरह से देखोगे, कुछ बताओगे, बताइए इन तीनों में से क्या करोगे। 87 क्वेश्चन नंबर की बात कर रहा हूं, इसमें आप देखें क्या देखें, एक तो आपका पहला कथन बिल्कुल सही रहेगा, दूसरा और तीसरा बिल्कुल गलत रहेगा। क्या रहेगा, दूसरा और तीसरा गलत रहेगा। अब आप कहोगे गलत क्यों है, ये भी आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है। इसमें आप देखेंगे यहाँ नियंत्रक महालेखा परीक्षक शामिल ही नहीं है इसमें, ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे तीसरा आपका बिल्कुल गलत होगा।
87 नंबर। इसमें पहला केवल आपका सही रहेगा, यानी कि आप देखेंगे ए ऑप्शन लगा दोगे। क्या लगा दोगे 87 में? ए ऑप्शन। क्वेश्चन है 88, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने अपने नागरिकों के लिए दत्त संरक्षण डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के लिए सामान्य दत्त संरक्षण विनिमय डेटा जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन नामक एक कानून अप्रैल 2016 में अपनाया और उसका 25 मई 2018 से क्रियान्वयन शुरू किया गया? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका। जो डाटा चोरी की बात की थी हमने, यही है एक तरह से, लोगों के डाटा को एक तरह से सुरक्षित रखने के लिए ये अपनाया गया है। तो आप देखेंगे यूरोपीय संघ के द्वारा, यूरोपीय यूनियन के द्वारा एक तरह से इसे। और इसमें याद रखिए यूरोपीय यूनियन में अब आपके 27 मेंबर बचे हुए, पहले 28 था और अब आप देखेंगे 1 नवंबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी यूरोपीय यूनियन की, यूरोपीय संघ भी कहते हैं आप लोग। तो यही अपने लोगों का ध्यान रखने के लिए एक तरह से इस तरह का नियम लाई हुई है और 2018 में से लागू भी कर दिया गया है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जिसे आप लोग GDPR भी कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के अधिकारों के प्रति इस क्षेत्र के देश कितने आप सोचिए सचेत हैं, कितने जागरूक हैं। और आप सोचिए कि यहाँ के लोगों की दशा भी देखिए आप लोग, बहुत अच्छी है। और आप देखेंगे इस तरह के जो इंडेक्स आते हैं, लोकतंत्र के हों या फिर आप देखिए स्वतंत्रता की बात हो, गरीबी की बात हो, तो ये सभी देश आपको ऊपर देखने को मिलेंगे और हमारी स्थिति कहाँ है आप सभी जानते हैं, हम लोग नीचे से टॉप कर रहे होते हैं। तो हम लोग काम नहीं करेंगे तो ये मतलब देखने को मिलेगा, उसमें कौन सा नई बात है। तो सी ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा आपका, क्या रहेगा? सी ऑप्शन। सॉरी, माफी चाहता हूँ, इसमें नहीं, आपकी इसमें था सी, 88 में सी बता चुका हूँ, अभी 89 तो मैंने देखा ही नहीं है। फिर आप कहें कि इसमें क्या कहाँ से गलत बता रहे हैं, देखिए वैसे गलत तो नहीं होता है, फिर भी अगर कहीं गलती से अगर गलती हो जाए, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, तो आप लोग बता दिया करिएगा, आप लोग सुधार के, ठीक है। 89 क्वेश्चन है हमारे सामने। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग क्षेत्र के क्षेत्रों के प्राथमिकीकरण और कार्यान्वयन हेतु कार्ययोजना नामक सौदे पर हस्ताक्षर किए हुए हैं? जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें आप देखेंगे बिल्कुल सही है आपका, रूस, रूस के साथ। किसके साथ? रूस के साथ। रूस आप जानते हैं, रसिया जैसे आप कहते हैं। आपको बता दूं कि पहले रूस हमारा बहुत अच्छा मित्र हुआ करता था, अमेरिका का झुकाव आप देखेंगे चाइना की तरफ हुआ करता था, पाकिस्तान की तरफ हुआ करता था। अमेरिका एक मतलबी दोस्त है, बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप देखिए आज अगर चाइना को रोकना है तो भारत की ज़रूरत है, इसलिए हमसे बड़े अच्छे रिश्ते रख रहा है। हमसे काम निकलेगा वो हमें भी छोड़ देगा बीच मझधार में। तो भारत और रूस के बीच आप देखेंगे एक नई साइड रूसी डिजाइन की 6 परमाणु ऊर्जा इकाइयों की एक परियोजना विकसित की जा रही है, ठीक है। तो उसी के बी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारे सामने 90। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस से एक के साथ साथ बढ़ता है? आरक्षित नकदी कैश रिजर्व के अनुपात में, बी कह रहा है जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, सी कह रहा है सांविधिक नकदी अनुपात में वृद्धि, और डी कह रहा है देश की जनसंख्या में वृद्धि। तो बताइए इसमें किसे क्या लगाओगे? नब्बे में क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 90। तो इसमें आप देखेंगे जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 91। क्या कह रहा है 91 क्वेश्चन? मनोरंजन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन इसमें कह रहा है संवर्धित वास्तविकता, यानी कि आप देखिए ऑर्गेमेंटेड रियलिटी AR में एक छदम वातावरण सृजित हो जाता है और भौतिक संचार पूरी तरह बहिष्कृत हो जाता है।
दूसरा है कह रहा है आभासी वास्तविकता यानी कि वर्चुअल रियलिटी, VR में कंप्यूटर द्वारा सृजित प्रतिमाओं वास्तविक जीवन की वस्तुओं या फिर परिवेशों पर प्रेक्षित हो जाती हैं। और तीसरा कह रहा है AR व्यक्तियों को संचार में विद्यमान रहने देता है, और स्मार्टफोन या PC के कैमरे का उपयोग कर अनुभव को उन्नत करता है। और चौथा कह रहा है VR संचार को पृथक कर देता है और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निमग्नता का अनुभव प्रदान करता है। इन चारों कथनों में से आपको सही कथन चुनना है। क्या करना है? सही कथन का चुनाव करना है। अब बताइए कैसे करोगे? तो इसमें आप देखेंगे तो क्या होगा, किसमें 91 की बात करूँ, 91 में आप देखेंगे, एक तो आपका दूसरा कथन क्या है 91 में, एक तो आप देखेंगे पहला कथन बिल्कुल गलत है, दूसरा भी बिल्कुल गलत है, तीसरा और चौथा कथन बिल्कुल सही है। इसमें क्या है? तीसरा और चौथा कथन बिल्कुल सही है इसमें। आभासी वास्तविकता VR उपयोगकर्ताओं को पूरी तरह से कृत्रिम डिजिटल वातावरण में डुबो देती है। और संवर्धित वास्तविकता की बात करें AR की, तो वास्तविक दुनिया के वातावरण पर आभासी वस्तुओं को एक तरह से दिखाती है। और मिश्रित अगर दोनों की बात करें तो न केवल आभासी वस्तुओं को वास्तविक दुनिया से जोड़ देती है एक तरह से। तो इसमें आपका 2 और 3, माफ करिए 3 और 4 सही है, 1-2 दूसरा गलत था, यानी कि बी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा इसमें। 91 में क्या लगा दोगे? 91 में बी, ठीक है, 91 में बी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? कौन सा? ए कह रहा है एक प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म, बी कह रहा है एक आदि मानव जाति स्पीसीज, और सी कह रहा है पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त एक गुफातंत्र, और डी कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक भूवैज्ञानिक कल्प। तो इसमें क्या लगाओगे? तो इसमें आप लगाओगे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, एक आदि मानव जाति है, ठीक है, 92 में बी। पहली बार वैज्ञानिकों ने साइबेरिया के बाहर एक विलुप्त प्राचीन मानव वंश के जीवाश्म पाए थे और जिन्हें डेनिसोवंश के नाम से जानते थे, डेनिसोवन भी कहते थे, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि उस समय ये चर्चा में था। और इन्हें आप देखेंगे नियंडरथल के करीबी रिश्तेदार माने जाते थे, तो इसलिए चर्चा में अगर इस तरह के कोई टॉपिक रहता है तो उस पर एक गहन अध्ययन कर लिया करिएगा। समझ रहे हैं गहन अध्ययन का मतलब, समझते हो? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या कहता है अगला क्वेश्चन आपसे? अगला क्वेश्चन कहता है हमसे 93, विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब आपको समझ में आया इस लाइन का कितना महत्व है, सही नहीं है पूछ रहा है। बाकी मैं आपने देखा है अभी तक पूछता था सही है, लेकिन यहाँ पूछ लिया है कि सही नहीं है। तो इसमें एक कथन कह रहा है विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लेकर लिए गए DNA के खंडों को जोड़कर विकार्यात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं, बी कह रहा है प्रयोगशालाओं में कृत्रिम विकार्यात्मक DNA के हिस्से रचे जा सकते हैं, और इसमें आगे कह रहा है आपसे सी किसी जंतु कोशिका से निकाले गए DNA के किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में प्रतिकृत कराया जा सकता है, और डी कह रहा है पादपों और जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला की
पिट्यूटरी डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है। तो 93 में क्या करोगे आप बताइए आप लोग। 93 में ए ऑप्शन आपका गलत है, बाकी आप देखेंगे देखिए ए गलत है, बाकी आपका ए सही है और बी सही है, सी सही है और डी सही है। लेकिन आपसे इसमें क्या पूछा था, सही नहीं है, तो आप लोग क्या लगाओ देखो ए ऑप्शन। और इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम पर डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, उसके उससे आप लोग इसे मिलाकर पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि बेहतर आप लोग पढ़ पाएंगे और बेहतर इनका आंसर भी दे पाएंगे आप लोग, समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 94। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डिजिटल हस्ताक्षर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो इसे जारी करने वाले प्रमाणन अधिकारी की पहचान करता है। दूसरा कह रहा है इंटरनेट पर सूचना या सर्वर तक पहुंच के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में प्रयुक्त होता है। और तीसरा कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित है। उपयुक्त कथनों में से सही कथन आपको इन तीनों में से चुनना है डिजिटल साक्षरता के रूप में, ठीक है। बताइए तो इसमें क्या करोगे, कुछ करोगे 94 में। तो 94 में वैसे आपको बता दूं कि इसमें आपका पहला गलत है, दूसरा गलत है, केवल तीसरा सही है। क्या है, तीसरा केवल सही है। डिजिटल हस्ताक्षर आप लोग अगर गए होंगे कहाँ, मुझे लगता है कि ड्राइवर लाइसेंस बनवाने गए होंगे, तब आप लोग जरूर उसे जानते होंगे उसके बारे में, ठीक है। तो इसमें केवल आप लोग सी ऑप्शन रहेगा, केवल तीन, क्या रहेगा, केवल तीन, 94 में सी। क्वेश्चन है हमारे सामने 95। परिधि प्रौद्योगिकी वी अरेवल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में परिधि उपकरणों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य निष्पन्न किया जा सकता है, किए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है, एक कथन कह रहा है किसी व्यक्ति का अवस्थान लोकेशन निर्धारण, दूसरा कह रहा है किसी व्यक्ति का निद्रा मॉनिटरन, और तीसरा कह रहा है 7 दो संयुक्त व्यक्ति की सहायता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। इसमें क्या करना है, सही उत्तर चुनना है। और क्या करोगे, तो इसमें आप देखेंगे तीनों बिल्कुल सही कह रहा है, नई नई तकनीक का जमाना आ चुका है। तो इसमें आप देखेंगे किसी व्यक्ति का अवस्थान निर्धारण कर सकती है, किसी व्यक्ति का निद्रा मॉनिटरिंग, और श्रवण दो से एक व्यक्ति की सहायता हो सकती है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। हियर इसे क्या कहते हैं आप लोग, परिधेय प्रौद्योगिकी भी कहते हैं, ठीक है, इसी की बात करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 96। आरएनए और आरएनए अंतरक्षेप प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है, क्यों। तो एक कह रहा है कि यह जीन अनभिव्यक्तिकरण, जीन साइलेंसिंग रोगोपचारों में विकास में प्रयुक्त होता है। दूसरा कह रहा है इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। और तीसरा कह रहा है इसे हार्मोन प्रतिस्थापन रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। और चार कह रहा है इसे ऐसी फसल पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी हों। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है 96 में। बताइए 96 में क्या करोगे। तो आप देखेंगे पहला एक ऑप्शन सही है, एक कथन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा इसमें गलत है, लेकिन चार इसमें बिल्कुल सही रहेगा। चार क्या रहेगा, आरएनए के बारे में सुने उसी की बात हो रही है। तो एक दो चार यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आरएनए हस्तक्षेप यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर होने वाली नियामक प्रणाली जो जीन की गतिविधि को नियंत्रित करता है एक तरह से, ठीक है। तो इसमें आप लोग ए ऑप्शन बिल्कुल सही लगाएंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने 97। क्या कह रहा है 97 क्वेश्चन, इनका कहना है आपसे कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशाल का ब्लैक होल के विलय का प्रेक्षण किया है, इस प्रेक्षण का क्या महत्व है। ए कह रहा है हिम्स बोसोन कणों का अभिज्ञान होगा, बी कह रहा है गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ, और सी कह रहा है बॉर्म होल से होते हुए अंतरा मंदाकिनी
अंतरिक्ष यात्रा की संभावना की पुष्टि हुई है, और डी कह रहा है इसने वैज्ञानिकों को विलक्षणता सिंगुलरिटी को समझना सुकर बनाया है। तो आपको बता दूं इसमें क्या लगाओगे, 97 में क्या करोगे, तो आप देखेंगे भी गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ है इससे, क्या हुआ है, गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ है। जब आप देखते हैं कि दो सुपर मैसिव ब्लैक होल अंतराल लाखों वर्षों में एक साथ आ जाते हैं, तो उनका सामना आप देखेंगे मजबूत गुरुत्वाकर्षण तरंगों का उत्पादन कर लेता है, समझ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण उनका अधिक हो जाता है। चलिए तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, इसमें आप लोग बी ऑप्शन ठीक रहेगा आपका। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी द्वारा दो तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल की टक्कर से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पहले ही पता लगा लिया गया था, समझ रहे हैं। और इसमें लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना जैसी वेधशालाएँ सुपर में से ब्लैक होल विलय से कम आवृत्ति वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने में सक्षम होगी, जो LIGO द्वारा पता लगाए गए लोगों की तुलना में 10,00,000 गुना अधिक विशाल होगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 98, निम्नलिखित में से कौन से भारत में सूक्ष्म जैविक रोग जनकों में बहु औसत प्रतिरोध के होने के कारण है, और इसमें आप देखेंगे पहला ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, इसमें पहला कथन कह रहा है कुछ व्यक्तियों में अनुवांशिक पूर्ववर्ती जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन का होना, दूसरा कह रहा है रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों की गलत खुराकें लेना, और तीसरा इसमें कह रहा है आपसे पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना, और चार कह रहा है कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों की बहुलता होना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है, इनमें क्या करना है, 98 में सही उत्तर भी चुनना है। तो इसमें आप देखेंगे एक तो आपका पहला कथन बिल्कुल सही है और दूसरा सही है, लेकिन इसमें आप देखेंगे तीसरा और चौथा आपका बिल्कुल गलत होगा, यानी कि दो और एक और दो, माफ करिएगा फिर से, इसमें आप देखें कुछ व्यक्तियों में अनुवांशिक पूर्ववर्ती का होना ये आपका गलत होगा, रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों की गलत खुराकें लेना ये आपका बिल्कुल सही होगा, और इसमें आप पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना ये भी सही होगा, कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों की बहुलता तो ये आपका गलत होगा, यानी कि दो और तीन सही होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा, इसमें क्या होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा, रोगाणुरोधी प्रतिरोधी स्वाभाविक रूप से किस समय के साथ होता है और आमतौर पर अनुवांशिक परिवर्तनों के माध्यम से, हालांकि एंटी माइक्रोवायल्स का दुरुपयोग और अति प्रयोग इस प्रक्रिया को और तेज कर देता है, कई जगहों पर लोगों में और जानवरों में एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग भी हो रहा है, दुरुपयोग भी किया जाता है, अक्सर जो व्यापारी होते हैं पेशेवर होते हैं वो करते हैं, तो इसमें आपका दो और तीन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने 99, प्रयास समाचारों में आने वाली Cas9 प्रोटीन क्या है, बताइए कुछ इसके बारे में भी बता दीजिए, क्रिस्पर प्रोटीन Cas9 भी कह देते हैं इसे, तो इसमें आप देखेंगे पहला कह रहा है लक्ष्य साधित जीन संपादन में प्रयुक्त आणविक कैंची, भी कह रहा है रोगियों में रोगजनकों की ठीक ठीक पहचान करने के लिए प्रयुक्त जैव संवेदक, और सही कह रहा है एक जीन जो पादपों को पीड़क प्रतिरोधी बनाता है, और डी कह रहा है अनुवांशिक रूपांतरित फसलों में संश्लेषित होने वाला एक शाकनाशी पदार्थ, तो इसमें आप देखेंगे ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, क्या रहेगा,
ए ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है। क्रिस्पर कैस नाइन भी इसे कहते हैं। क्लस्टर्ड रेगुलर इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स के लिए एक संक्षिप्त रूप है ये कैस नाइन, ठीक है। क्रिस्पर जीनोम इंजीनियरिंग तकनीक वैज्ञानिकों को किसी भी जीनोम के डीएनए को आसानी से और सटीक रूप से संपादित करने में सक्षम बनाती है एक तरह से। ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आप देखिए सही नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें आप कह रहा है कि ये कह रहा है यकृत शोथ बी विषाणु की काफी कुछ एचआईवी की तरह ही संचरित होता है। बी कह रहा है यकृत शोथ सी का टीका होता है जबकि यकृत शोथ बी का कोई टीका नहीं होता है। और सी कह रहा है सार्वभौमिक रूप से यकृत शोध बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या एचआईवी से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक होती है। और डी कह रहा है यकृत शोध बी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे, लेकिन क्या पूछा है, सही नहीं है, तो इसमें आप देखेंगे बी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, बाकी ए और सी डी आपका बिल्कुल सही होगा, ए सी डी बिल्कुल सही होगा, लेकिन बी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन आप लोग लगाएंगे क्योंकि गलत पूछा है ना आपसे। हेपेटाइटिस बी का टीका एक सुरक्षित और प्रभावी टीका है जो जन्म के समय आपने देखा होगा सभी शिशुओं और 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए लगाया जाता है। हेपेटाइटिस बी के टीके को पहले कैंसर विरोधी टीके के रूप में भी आप लोग जानते थे क्योंकि ये हेपेटाइटिस बी को रोकता है जो दुनिया भर में लीवर कैंसर का प्रमुख कारण भी है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए तो ये था आपका 2019 का प्रीलिम्स का पहला पेपर, जैसे आप लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट कहते हैं। चलिए आगे आके हम लोग कल जब भी टाइम मिलता है तो हम लोग 2020 का भी आपका प्रीलिम्स का पहला पेपर हम लोग आईएएस यानी कि सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी का ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। उसे भी हम लोग विस्तार से ही देखेंगे, कोई आपसे मक्कारी नहीं की जाएगी, बस आप लोग भी पढ़ने में मक्कारी मत दिखाइएगा, जितनी मेहनत करोगे उसी हिसाब से रिजल्ट सामने रहेगा।